हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद यशोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद यशोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोजने श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए, इसलिए कृष्णा भगवत गीता में कहते ही अर्जुन बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह प्रति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म और जो कर्म है ये अप्राकृति अवलौकिक और दिव्य है। अगर इसको कोई सही सही रूप में जान ले, यदि ये शरीर छोड़ने का बाद कभी ये संसार में वो व्यक्ति दो बार जन्म नहीं लेता है, इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन कद अजो अपिसन्न अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर अपिसन्न प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। कहते बोले हे अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, कहते मैं अजन्मा हूँ, लेकिन अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। बोले ठाकुर जी फिर क्यों जन्म लेते हैं? इसको पीछे हमारे टीकाकारों ने बहुत अच्छी अच्छी कारण बताए, इसलिए आज हम लोग इसकी 10 कारण सुनेंगे। कृष्ण अजन्मा होते हुए भी हमने जन्म क्यों लिया, मन लगा सबके सब सुनना। इसलिए पहला कारण कहते हैं बोले जदा जदा ही धर्मस्य क्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। इसका पहला कारण बताइए कि जब जब इसी जगत में पृथ्वी गो ब्राह्मण संतों पर में अत्याचार होने लगता है, मैं तब तक इसी जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों का विनाश करता हूँ और भक्तों को मैं रक्षा करता हूँ। कभी ये पहला कारण है। बोले जन्म लेने का दूसरा कारण क्या है? बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। बोले मैं अपना भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए कृपा करने के लिए मैंने जन्म लेता हूँ। अगर ठाकुर जी जन्म नहीं लेते, आज जो हम बैठ करके ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, फिर हम क्या ठाकुर जी की कथा सुनते? फिर दुनियादारी हम बात करते, फिर हमारी कल्याण कैसे होता? इसलिए ठाकुर जी इसी जगत में जन्म हुए। कहते ये दो कारण हो गया। कितना कारण हो गया? एक काफी था। प्रभु जी बोल रहे थे ना कापी पेन लेकर बैठनी चाहिए, इधर सुनकर इधर निकाल दे सबके साथ। अगर हम जो बोलेंगे अगर हम याद रखोगे ना, फिर किसी को घर में तो फिर बोल सकते हो। लोगों को जब घर में नाम हाट होगी, घर में जब लोग आएंगे फिर क्या सुनाओगे बोला? इसलिए सारी कथा को नोट करके रखोगे तो फिर तुम बोल सकते हो, खाली दिमाग में नहीं बैठनी चाहिए। हरे कृष्णा। इसलिए इसका दो कारण हुआ है। बोले तीसरा कारण क्या है? कृष्णा क्यों जगत में प्रकट हुए? बोले एक समय प्रिश्नी और सुतबा ये दोनों राजा और रानी थे। इन दोनों ने भगवान विष्णु को 10,000 साल तक पेड़ से जो सूखे पत्ते गिर जाते थे उसको खा खा करके तपस्या किया।
जब ठाकुर जी संतुष्ट हुए, बोले बोलो क्या चाहते हो? बोले प्रभु आप जैसे हमें एक बालक चाहिए। बोले मेरे जैसे तो कोई होते ही, मैं तो असमर्थ तत्व हूँ। बोले मेरे से बड़े की बात छोड़ दो, मेरे बराबर भी जगत में कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति में संतुष्ट हूँ, अगले जीवन में मैं तुम्हारी बेटा बन करके आऊँगा। इसलिए ठाकुर जी इनके घर में बेटे बन करके आए। कितना करना हो गया बोलो, गिर गए कि नहीं? कितना हो गया? तीन करना, काफी बहन क्या कर रहे हो? माता जी को दे दो, लिखिट दे दो। इसलिए कहते ये हो गया, ये तीसरा कारण हो गया। बोले चौथा कारण क्या, भगवान क्यों आए? बोले ये द्रोण और ये धरा, ये दोनों भी राजा और रानी थे। ये दोनों ने भगवान ने ब्रह्मा जी को आराधना की। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए, बोले वर्मा को बेटा, बोले हम चाहते हैं जैसे एक बालक स्वाभाविक रूप में माँ की पेट से जन्म लेता है और लीला करता है, कभी नटखट करने पर मैया जैसे कान मोड़ देती हैं, शासन करती हैं, उनको डांट डपटती हैं, मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही मेरे पेट से जन्म लो, मैं आपको ठुमक ठुमक करके चलाना सिखाऊंगा और तुमको पलने में झूला झूलाऊंगा, मेरे को ये आशीर्वाद दो। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोले। इसलिए द्रोण और धरा ये दोनों ने, ये नंद और जसोदा जब आए, इनकी अंदर में ये मिल करके जगत में आए। जब नंद जसोदा ने ये वात्सल रस को आस्वादन की, ये भी उनका अंदर में रह करके ये भी वात्सल रस को आस्वादन किया है। कहते ये हो गया चौथा कारण है। कहते पंचमा कारण क्या, बोले जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता ये तीनों ने वनवास गए, वहाँ पर सुपर्णा बड़ी सुंदर रूप धारण करके, बोले मैं जितने सुंदर ही हूँ तुम भी ऐसे सुंदर हो, हमारी जोड़ी अति प्यारी है, इसलिए राम मेरे से ब्याह कर लो। और भगवान राम बोले देखो ऑलरेडी मेरी सीता है, बोले इसके शरीर में क्या रखा हुआ, हड्डी हड्डी, तू देख मैं कितने सुंदर हूँ, इसलिए मेरे से शादी कर लो। बोले मैं तो और किसको शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम लीला है। इतने में लक्ष्मण गए थे लकड़ी लेने के लिए, जब वापस आए सुपर्णा जब लक्ष्मण को देखा, बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया। बोले ये भी कम सुंदर है, ये भी बड़ा सुंदर है, बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ? बोले तेरे जैसे मनमानी को कौन मना कर सकता है, पूछ करके देख लो। जब उसने पूछने के लिए गए, लक्ष्मण जी ने कहा अभी प्रभु राम से तू कुछ बोल रही थी, बोले वो मेरे प्रेम की बात नहीं समझा, तू समझो मेरे प्रेम की बात, इसे तू मेरे से ब्याह कर ले। बोले बताओ तुम रानी बनना चाहते ना दासी? बोले रानी? बोले तो मैं प्रभु का दास हूँ, मेरे से शादी करोगे तो जिंदगी भर सेवा करते करते थक जाओगे, तुम कहाँ रानी बनने की स्वप्न देख लो, जा प्रभु के पास मिलो। फिर राम के पास में आई, फिर प्रभु राम ने इनकार कर दिया। बोले तुमको पता है मैं कौन हूँ? मैं रावण का बहन हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, ये सीता जितने बीच में गड़बड़ी करने वाले, अब इसको ही मैं खा जाती हूँ। इतने में भगवान राम लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण उसके नाक कान को काट दिए। बोले लक्ष्मण ये नाक कान क्यों काट दी? बोले लक्ष्मण गुरु जी है। बोले गुरु जी का काम क्या? बोले शिष्यों को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगाना, ये किसका काम है? गुरु जी की। लक्ष्मण समझ गए इस सुपर्णा का ऑलरेडी भगवान को अपना हृदय में बैठा चुकी है और भगवान भक्तवत्सल है। भगवान को जो जिस रूप में प्रार्थना करे ठाकुर जी, उसी भाव को ठाकुर जी रखा करते हैं। एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसका नाक और कान को काट दो, दुनिया में उससे कोई शादी करेगा फिर? बोले तू और किसकी बनकर ही जाना नहीं, रहना तो राम की बनकर ही रहो। वही सुपर्णा का ही द्वापर युग में फिर ये कुबड़ी बन करके आती है, कुब्जा बन करके आती है, और भगवान ने फिर ये कुब्जा को अपना पत्नी रूप में ठाकुर जी स्वीकार करते हैं और ठाकुर जी उसको ऊपर में कृपा करते हैं। कितना करना हो गया?
पांच कारण हो गए, कल तुम सब पूछूंगा, तुम बताना चाहो। इसलिए कहती है पांच कारण हो गया है, बोले छठवा कारण क्या है? आप लोगों ने कल दर्शन कर रहे थे कैसे भगवान वामन देव बलि महाराज के दरबार में आए। ठाकुर तो बड़े सुंदर थे, स्त्री माताओं का एक स्वभाव, क्या स्वभाव? अगर किसी सुंदर किसी बच्चे को देख लेना, इनकी इच्छा होती गोद में लेकर इसको प्यार कर। अभी भगवान वामन देव, अभी बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला, अभी उसने भगवान वामन देव को देख करके इतनी मुग्ध हो गई, बोले अगर ये मेरे बेटा बन करके आता, दिन भर उसको मैं गोद में लेकर के लाल लड़ाती। भगवान भाव ग्राही, बोले कोई बात नहीं, अगले जीवन में मैं तुम्हारी बेटा बन करके आ जाऊंगा। लेकिन जिस समय भगवान दो पग में विश्व ब्रह्मांड को नाप लिया, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, बोले बलि बड़ा डी ध्यान करा था, इतने में दान दूंगा तुम्हें, कहीं तुम्हें अन्यत्र झोली पसारने का जरूरत नहीं। अभी बताओ तीसरे पग में कहाँ रखूं? बोले गरुड़ ये अपना वाक्य को पूरी नहीं कर पाए, नागपाश बंधन में बांध दो। जब उसको बांध दिए, इतने में रत्ना बोली देखिए तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ हड़प लिया, फिर पिताजी को नागपाश बंधन में बांध भी दिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को मैं लाड़ क्या लड़ाऊंगी, तेरे को मैं बीज पिलाऊंगा। भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारी बेटा बन करके आऊंगा, बीज भी खा पी लूंगा। इसलिए वही बन करके आए, कौन बन करके आए? बोले ये पुतना बन करके आए। भगवान अभी आगे सुनेंगे कृष्ण को कैसे उन्होंने गोद में लिया और ठाकुर जी कैसे उसकी बीस भी पान किए हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, कितना कारण हो गया? छह कारण हो गया। बोले सप्तम कारण किया, ठाकुर जी क्यों आए? बोले जब भगवान राम ने मिथिलापुरी में गए, जब मिथिलापुरी में जनकपुरी में गए, वहां पर भगवान राम बोले अपना गुरु विश्वामित्र को, बोले गुरु जी थोड़ी सी ये जनकपुरी को देख करके आए। बोले देख करके आना नहीं, सबको दर्शन दे करके आओ, दर्शन करना नहीं, दर्शन दे करके आओ। जब राम और लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किया, जो एक बार प्रभु का दर्शन कर लिया, इतने सुंदर थे मानो चंद्र सूरज एक साथ में प्रकट हो गए, एक श्याम रंग के, एक गौर रंग के, एक नीलांबर और एक पीताम्बर, जिस गली में जाए बोले श्री राम लक्ष्मण की जय। जोर से बोलो बोले श्री राम लक्ष्मण की जय। अभी जिस गली में जाए जय जयकार हो रहा है, उसी गली में ही जय जयकार हो रहा है। इतने में जितने सब वहां के जो किशोरिया थी, कोई झरकों से देख रही थी, कोई छत के ऊपर से देख रही थी, अभी जो झरकों से देख रही थी ठाकुर जी को तो दर्शन हो रहा था, लेकिन जो छत से देख रही थी ना, उनको सही सही दर्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। कभी इसी लीला में पराई स्त्रियों का मुंह ठाकुर को भी देखा ही नहीं, हर समय सर को ठाकुर जी नीचा कर चलते थे। इतने में ही जो छत के ऊपर में जो किशोरियां खड़ी थी, ठाकुर जी थोड़ा सर को ऊपर ऊंचा कर, इसीलिए थोड़ी सुनहरे खांसे कहते थोड़ा खांसी तो, लेकिन प्रभु राम ऊपर देखे ही नहीं। पीछे पीछे लक्ष्मण आ रहे थे, लक्ष्मण गुरु जी का काम किया है, ये जीवात्मा को परमात्मा को साथ में मिलाई। लक्ष्मण जी ने प्रार्थना किया, ठाकुर जी देखो ये छत के ऊपर में तुम्हारे जो भक्त खड़े हैं, आपको दर्शन करना चाहते हैं, एक बार दर्शन दे दो। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये जनकपुरी मायापुरी खबरदार, इधर उधर देखना नहीं, सीधा सर को नीचे करके चलो। लेकिन और थोड़ी दूर गए तो फिर खांसी है। इतने में लक्ष्मण फिर प्रार्थना की, बोले देखो जब संत भगवान को कोई प्रार्थना करते हैं ना, ठाकुर भी बरबस हो जाते हैं। हम क्यों इसी जीवन में संतों की शरण में, गुरु जी की शरण में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट ठाकुर जी को प्रार्थना करें तो ठाकुर जी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। ठाकुर किसके प्रार्थना सुनते हैं? बोले सड़ंग शरणागति हई बेजहार, ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार।
जिसको सर्व छह शरणागति हो जाए उसकी प्रार्थना ठाकुर जी सुनते हैं, गुरु जी की प्रार्थना ठाकुर जी सुनते हैं, हैं? इसलिए फिर लक्ष्मण जी प्रार्थना किए, ठाकुर जी एक बार दर्शन दे दो। फिर ठाकुर को दर्शन देना ही पड़ेगा। इतने में भगवान राम ने सर को थोड़ा ऊंचा करके जब देखे ना, ये छत के ऊपर में जितने सब किशोरियां खड़ी थी सब के सब बेहोश हो गए। जब उनकी होश आई सबके सब राम के पीछे पड़ गए, बोले राम हमें शादी कर लो, हमें शादी कर लो। लक्ष्मण बोले, राम बोले, लक्ष्मण पहले तुमको मैं मना कर रहा था देखना नहीं, देखा तो क्या हुआ, देख तू भी शादी कर लो। भगवान राम बोले, कोई चिंता मत करो, मैं जब द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा सब तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण को द्वापर युग में आना पड़ा। ये भी एक कारण, कितना कारण हो गया, कितना हो गया, आप लोग गिन नहीं रहे हो, सात कारण हो गया। आठवां कारण बताए, जब भगवान राम, आप रामलीला देखे होंगे, जब माता सीता के ऊपर में अयोध्या में सब लोग लांछना लगाई, कहां रावण उठा करके ले गया, एक साल तक लंका में रखा। अब भगवान राम ने क्या किया, सीता जी को लाए तो फिर बराबर आसन पर स्थान दे दिया, लेकिन ये अयोध्या वासियों को पता नहीं, सीता को जो रावण उठा करके ले गया था वो असली सीता को नहीं ले गया, वो नकली सीता को लेकर गई थी। आप लोग रामायण देखे कि नहीं, वो नकली सीता थी, असली सीता तो माँ लक्ष्मी। रावण उनको देखे क्या किया, उनको स्पर्श तक भी, स्पर्श क्या करेगा, वो देख भी नहीं सकता है मैया सीता को, क्यों, ये साक्षात ये लक्ष्मी है। वो छाया सीता को ही रावण उठा करके ले गया था, लेकिन अयोध्या वासियों को पता नहीं था, उन लगे लांछन लग गया, तो भगवान राम ने सीता जी को उन्हें परित्याग दिया। लेकिन हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने क्या कहा, देख राम, जब तक तुम्हारे साथ में तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं हो ये यज्ञ नहीं कर सकता, इसे धर्म पत्नी होनी चाहिए। बोले सीता जी को तो मैंने त्याग दे दिया। बोले तेरे पिताजी ने तीन तेरी शादी किए, तुम और एक शादी कर लो। बोले नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए, मैं कभी भी सीता के सिवाय और किसी को मैं कभी ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। बोले गुरु जी और एक उपाय बताओ। बोले और एक उपाय, क्षत्रियों के लिए सोने की सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रख करके फिर आप ये यज्ञ कर सकते हो। बोले ये तो कर सकता हूँ। उन्होंने जब तक और राज्यों तक किया, हर साल एक एक यज्ञ करते थे और हर साल एक एक सोने की सीता बनती थी, प्रभु राम बाम पार्श्व में रखते थे और वशिष्ठ जी उनमें प्राण संचार कर देते थे और सीता सख्यात बन जाती थी। प्राण स्थापन कर दिया ना, अभी प्रश्न इतने सीते फिर गए कहाँ। बोले ये सब के सब सीते जब भगवान कृष्ण आए ना, ये सब के सब इनकी गोपी बन करके आए, ठाकुर जी ग्रहण किया। देखो एक चीज को समझो, कृष्ण कितने दयालु हैं। इसलिए कहते हैं भैया पूजा करना तो कन्या को पूजा करो, क्योंकि कोई लंगड़ी लुढ़ी, कोई उपजी, कोई राक्षसी, कोई भी कृष्ण को शरण में आए, ठाकुर जी किसको छोड़े, कृष्ण किसी को नहीं छोड़े। कृष्ण किसी ना किसी रूप में, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जे जथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, अगर मेरे को किसी रूप में भी तुम मेरे को पूजा कर किसी भाव से, मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। इसलिए कृष्ण बड़े दयालु, ठाकुर जी कृष्ण बड़े कृपालु है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की। इसलिए यहाँ पर बहुत कारण करके 15-20 कारण बताए भगवान क्यों जगत में आए। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में, कंस के कारागार में प्रभु कैसे प्रकट हुए, आज हम लोग सुनेंगे कृष्ण कैसे नंद के लाला बन करके
ये कहाँ पर जन्म हुई है? कहते ये श्री गोकुल में नंद के लाला बन करके जन्म हुई है। देखो जो व्यक्ति डायरेक्ट ये भागवत सुनेगा ना, भागवत पढ़ेगा, सबको पूछो कृष्ण कहाँ जन्म हुए, अब लोग सुनेंगे नहीं भागवत, दुनिया बोलेगा कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए। लेकिन हमारे गौड़ीय महाप्रभु के भक्त लोग कहते हैं मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण जन्म नहीं हुए, जन्म तो कृष्ण गोकुल में हुए, कृष्ण गोकुल में जन्म हुए। आप लोगों ने बच्चों को जन्म दिया होंगे, दिया भी है बच्चों को जन्म, आप देखना जब बच्चे को जन्म देते हैं माँ की गर्भ को साथ में उसकी नाड़ भी जुड़ी रहती है, जन्म के साथ में नाड़ी काटती है ना, नाड़ी कटती है नहीं बच्चों को, ना माँ के पेट को साथ में जुड़ी हुई रहती है, मथुरा में थोड़ी हुई। भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, देख करके बोले मैं अभी बालक बन जाऊंगा, मेरे को लेकर गोकुल में छोड़ देना, लड़की बोले है ना, इतना बोल करके ठाकुर जी क्या हो गए, झट छोटे बालक बन गए। लेकिन जैसे कि माँ की पेट से जो बच्चा जन्म लेता है ऐसे उन्होंने जन्म नहीं लिए, ऐसे तो कृष्ण गोकुल में मैया जसोदा की पेट से जन्म हुए। और बड़ी बड़ी गोपियां क्या करती है, अपनी नाड़ को छेदन करती हैं। इसलिए गुरु जी कहते थे कोई भी ब्रजवासी कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, क्योंकि बड़ी बड़ी गोपियों ने बोला हमने अपना आंखों से देखा कृष्ण जन्म हुए, और वो अपना हाथों से हमने नाड़ को हमने काटी, हमने खुद देखा ये चीज को, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कृष्ण मथुरा में जन्म हुए। इसलिए कृष्ण कहाँ जन्म हुए हैं, कृष्ण गोकुल में जन्म हुए। आप बोलोगे भैया प्रमाण क्या है, कहीं क्या प्रमाण है, अब भागवत को पढ़ लो। भागवत में जब कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हुई, गोपियों ने कृष्ण को बहुत ढूंढे, लेकिन ढूंढते ढूंढते जब कृष्ण मिले नहीं, गोपियों ने कहा देखो कृष्ण को उसका भजन बहुत ही प्यारा लगता है, चलो हम जमुना किनारा में बैठेंगे, जमुना उनकी सखी है, उनकी किनारा में बैठ करके हम सबके सब कृष्ण कीर्तन करेंगे। ये सबके सब बैठ करके उनने कृष्ण कीर्तन किया। कृष्ण कीर्तन का जो पहला जो श्लोक है बोले जयति तिथिकम जन्मना ब्रज सबके सब तेरे विरह में दुखी है, हैं? इसलिए यहाँ क्या कहती है, बोले जन्मना ब्रज, कृष्ण ब्रज में जन्म हुए। बोले पितामह ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े सखाओं को चोरी करके ले गए, पहले तो सोच रहे थे कोई साधारण बालक होगा, लेकिन जब पता चला ये भगवान है, अरे ब्रह्मा जी भगवान को 40 श्लोक में स्तुति की, कहते जो पहला श्लोक है गुंजावतंस परिपीचल सत्मुखाय
इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले बन सजी विशाल वेणु मृदु पदी पशुपांग जाय। कहते ये कृष्ण कौन है? बोले पशुपा मतलब पशु गैया को जो पालन करने वाली श्री नंद बाबा की जो अंगस जो प्रकट हुई है कौन? ये कृष्ण कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी भी कहते हैं कृष्ण किसकी बेटे हैं? श्री नंद बाबा की मैया जसोदा की लाल लाई है। मतलब वसुदेव जब कृष्ण का नामकरण करने के लिए आए इसलिए त्रिकाल दृष्टा श्री वसुदेव ये क्या कहते हैं? बोले प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जात तबात्मज। बोले नंद बाबा ये बेटा तुम्हारी है लेकिन ये कभी वसुदेव का भी लाला भयो लेकिन बेटा किसका? बोले तबात्मज तुम्हारी बेटा। इसलिए भागवत में बहुत प्रमाण है कृष्ण कहाँ पर श्री गोकुल में नंद के लाला बन करके आए। इसलिए अभी हम लोग सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके प्रभु आए। आप लोग मेरे पीछे पीछे एक मिनट कीर्तन कर लो। बोले गोविंद जय 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 और सन्यासी। कहते ये चार आश्रम है।
पहले लोग ये चार आश्रम को पालना करते थे। पहले सबके सब जैसे भगवान राम और कृष्ण जैसे 25 साल तक उन्होंने गुरुकुल में गए और गुरुकुल में उन्होंने विद्या अध्ययन किया। फिर उसको बाद में गुरुदेव प्रश्न करते, बोले बेटा बताओ अभी तुम क्या करोगे, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। अभी गुरु गृह में जा करके जो बच्चा अच्छे तरह से गुरु जी के आनुगत्य में सारे वेद वेदांत पुराण सब कुछ पढ़ लेता था, जिनको ये ज्ञान हो जाता था, ये 84 लाख जन्म के बाद में ठाकुर जी हमें ये मानव शरीर दिए हैं और इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करके हम ये संसार से पार हो करके ठाकुर जी के चरण में पहुंच करके परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जिनको ये ज्ञान हो जाता था वो कहते थे गुरुदेव हम चाहते हैं आपकी चरण में रह करके आपकी सेवा करते हुए ये जीवन को प्रभु की भक्ति में लगा दे और ये भवसागर से पार हो जाए। लेकिन जिनको बहुत ही संसार में आसक्ति थी, शादी के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, गुरु जी को कहते थे गुरु जी हम संसार में जाना चाहते हैं। गुरु जी कहते ठीक है बेटा तुम जाओ संसार में, धर्म पूर्वक अपना वर्ण आश्रम के अनुरूप शादी करना, शादी करके पत्नी को साथ में 50 साल तक घर गृहस्थी बिताना। लेकिन 50 साल के बाद में मना कर देते हैं, इसलिए भागवत ने बताया 50 ऊर्ध्व वनम व्रज, 50 साल के बाद में फिर वानप्रस्थ चले जाते थे, वन में वृंदावन में जाकर भजन करते थे। देखो ये अंक क्या कहता है, 50 के बाद में एका वन, घर में नहीं वन, बाह वन, चौ वन, ये वन वन शब्द आता है, मतलब घर में नहीं रहनी चाहिए, मना कर देते हैं। क्योंकि जो जीवन है ये जीवन को बताया, इसी जीवन का ये मुक्ति की मार्ग, केवल इसी जीवन में ही जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये 84 लाख जन्म को बंधन को समाप्त करके इसी जीवन में जीव भगवान को चरणों को प्राप्त कर सकता है। जहाँ जाने से कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपतो तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, ये जीव इसी जीवन में मेरे को पा करके तो जितने जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए इसी जीवन में ही मुक्ति प्राप्त कर सकता। ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचा। 84 लाख जो नहीं भटकते भटकते, इसलिए देखो उसका अंक क्या है, 59, 60, 61, 62, मतलब क्या कर, अगर समय रहते भक्ति नहीं करेंगे ना फिर भैया सठिया बन जाएंगे, फिर तुम सब कुछ होने वाले नहीं। क्योंकि जैसे बांस जब कच्चा हो ना तब तो उसको टेढ़ा कर सकते हो, लेकिन जब पक जाए देखना वो टूट जाएगा लेकिन वो टेढ़ा नहीं होता है। इसलिए कहते जो भगवान की भक्ति है, अगर जिस चीज को आप बचपन से आदत डालोगे ना देखना वो पूरा जीवन तक रहेगा। अगर जो चीज को बचपन से आदत नहीं डालते हैं बड़ा कठिन है। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को यही ज्ञान देते, बोले प्रहलाद बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद जी बच्चों को यही ज्ञान बताते, पर बच्चों 5 साल उम्र से प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दो। बच्चों ने कहा क्यों, अभी तो हम बच्चे हैं, अब तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर नौकरी चाकरी करेंगे, फिर शादीशुदा होएगी, फिर बच्चे होएंगे। बच्चों को शादीशुदा करके जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा ना तब एक दो माला कर लेंगे हैं, अभी से तो भजन करने के लिए क्या बता रहे हो, जैसे साधारण लोग कहते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज इतनी अच्छी बात बताए, बोले बच्चों तुम कहते हो बुढ़ापा में भजन करोगे, बोले हाँ, बोले तुम्हारे पास में कोई घर टिका रहे, हमको पता होगा कोरोना में अभी कितने लोग चले गए, कोरोना में कितने लोग चले गए, कोई नहीं कह सकता है हमने जो श्वास छोड़ा है दूसरा बार भी हम श्वास ले पाएंगे, किसको पास में कोई गारंटी कार्ड क्या है, कुछ भी गारंटी कार्ड नहीं। ये जीवन कब खत्म कर ले, जैसे पानी में बुदबुद बुलबुला होता है ना, ये जीवन ठीक वैसे ही कब ये खत्म हो जाएगा, बैठ बैठ कर हार्ट अटैक हो जाता है, बैठ बैठ कर खत्म हो जाते हैं।
इसलिए प्रहलाद ने कहा बच्चों भगवान की भक्ति 5 साल से सुन कर दो, क्योंकि जाना बड़े दूर तक है, ठाकुर तक है। तो बच्चों ने कहा प्रहलाद अगर इसी जीवन में नहीं होगा तो फिर अगले जीवन में करेंगे। प्रहलाद कहते बच्चों दुर्लभ मनुष्य जन्मन, ये जो मानव शरीर है ये 84 लाख जन्म के बाद में ये एक बार मिलता, बारंबार ठाकुर जी ये जीवन नहीं देते हैं बारंबार। ये सुर दुर्लभ देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर पर भारत भूमि में बड़े भाग्य से और उस सनातन संस्कृति में बड़े भाग्य से ये जीवन मिलता है। इसलिए क्या करो बचपन से ही 5 साल उम्र से भक्ति करना शुरू कर दो। जैसे ध्रुव जी को देखो, प्रहलाद कितने उम्र में 5 साल से किया, मीरा जी को देखो, हनुमान जी को देखो, तुलसीदास जी को देखो, कोई बूढ़े होकर कोई भजन नहीं किया है। प्रहलाद सीधा मना कर बूढ़े उम्र भजन नहीं होता है, कान में सुनना कम हो जाता है, आँख में देखना कम हो जाता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, बैठ तो उठा नहीं जाता, फिर भजन क्या करोगे। इसलिए क्या कर भगवान की भक्ति ये बचपन से भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री परिजन बाबा ने अपना अपना 5 बच्चों को बुलाया, बोले देखो बच्चों तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादीशुदा हो गया, अभी तुम लोग घर गृहस्थ में ठीक ठाक हो, अभी हम दोनों पति पत्नी चाहते हैं और ये माया के संसार में नहीं पड़ करके अपना जीवन को जिस काम के लिए प्रभु जीवन दिया है भजन के लिए हम दोनों चाहते हैं, हम अपना बाण प्रस्थ लेकर के जाए और दोनों पति पत्नी ठाकुर की कथा सुनते हुए ठाकुर जी की भजन करते हुए जीवन को भजन में लगा दे। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भजन करना बहुत कठिन है, हैं? कोई कोई बोलेगा नहीं जब बच्चों को शादीशुदा हो जाएगा ना, पहले बोलेगा तो बच्चे बड़े हो जाए उसको बाद में लिखाई पढ़ाई कर ले सब निपट जाएगा, बोले शादीशुदा हो जाए निपट जाएगा। अब देखना जो जितने आप संसार में रहोगे ना उतना ज्यादा ज्यादा फंसते जाओगे, फिर अगर शादी हो गया ना फिर बहू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, अगर नाती पोती हो गई अगर कहीं गए बोले डोकर क्या कोई काम धंधा नहीं, घूमती रहती है इधर उधर, हैं बच्चों को देखती नहीं, मुंह टेढ़ी करके बात करें। ये संसार में ये ऐसे के बिल ना भागवत में बताए कौन सा ऐसे के बिल है जो बिल में एक बार घुस जाए तो निकल नहीं पाओगे बल घर गृहस्थी। आप देखना मरने का पहला तक भी ये संसार की बंधन तुम्हें नहीं छोड़ोगे। कोई कहते ना संसार का सारे काम को निपटा करके भजन करेंगे, बोले खुद निपट जाओगे संसार के काम तुम क्या निपटोगे, खुद निपट जाओगे। अभी तो कोई संसार का काम निपटा पाया कोई है, कोई नहीं पाए। इसलिए यहाँ पर से परिजन बाबा बोले हम दोनों पति पत्नी जा रहे हैं भजन के लिए, तू अपना घर गृहस्थी का देखो। बोले सबसे बड़े बेटे को मैं राज्य सिंहासन में बैठना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा बेटा ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन जो मझला बेटा जो नंद है ना इसकी अंदर में सारे राजा की सारे गुण इसको अंदर में, आप इनको ही राज सिंहासन में बैठा करके जाओ। लोग प्रसन्न हो गए, नंद बाबा को अभिषेक करते हुए उन्होंने दोनों पति पत्नी चले गए वानप्रस्थ जीवन में भजन करने के लिए। अभी 4 बच्चों का तो संतान लेकिन नंद बाबा के घर में कोई बेटा नहीं, इसलिए उन्होंने बार व्रत तपस्या दान बहुत कुछ उन्होंने किया है लेकिन इनके बच्चे नहीं हुए। लेकिन एक एकादशी आई जिसका नाम थी पुत्र का एकादशी, मतलब जो एकादशी करने से घर में पुत्र संतान होता है। नंद जसोदा बोले देखो हमने सारे व्रत तक करके देख लिया अभी तक हमने एकादशी व्रत नहीं किया। कहते एकादशी व्रत किया है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करी
कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर भरी सोद भगत चरण रेणु भजन गुरुदार में अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? कारण है भगवान कब जन्म लेते हैं? बोले एकादशी को द्वारा, इसलिए एकादशी को भक्ति की माँ बताया। एकादशी से ही कृष्ण भक्ति मिलती है, कृष्ण प्राप्ति होता, इसलिए उन्होंने बहुत दान व्रत तपस्या तो बहुत कुछ किया है, लेकिन घर में कृष्ण जन्म नहीं हुए। लेकिन जब एकादशी व्रत रखा ना, जिस दिन उन्होंने एकादशी व्रत रखा उसी रात को ही ब्रह्म मुहूर्त में दोनों स्वप्न देखे। क्या स्वप्न देखे? बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बालस्तवांक स्थली पैवधार स्फुट मसौ क्रीडांगमयम लोक्यते। कहते ब्रह्म मुहूर्त में कहीं कहीं जो स्वप्न है ना, कहीं सही होता है। उन्होंने क्या ब्रह्म मुहूर्त में देखा? आकाश में दो बालक को चमचमाते हुए, एक श्याम रंग के और एक लड़की गौरी रंग की हैं, बिजली जैसी। देखा नंद बाबा ये दोनों बच्चे मेरे हृदय में प्रवेश किए, और मेरे हृदय से फिर उन्होंने यशोदा के हृदय में प्रवेश किए। इतने में दोनों को नींद खुल गई। मैया बोले नंद बाबा को, मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा है। नंद बाबा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखा, पहले तू बता। जसोदा बोली मैंने देखा मेरे पीछे एक सुंदर श्याम रंग का बालक मेरे पीछे पीछे माँ माँ करते करते कपड़े खींचते करते, बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिलाते मचल रहा था। नंद बाबा बोले मेरी स्वप्न देख ले। बोले सुना दे। बोले मैंने देखा तेरे गोद में सुंदर एक बालक तुम्हारी स्तन को पान करता समय ये दोनों धार से दूध बहते, जिसको कुर्ता बिक रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच मेरे गोद में के बालक है। और उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भ धारण करी, और ब्रज में पूरा हल्ला हो गया, नंद के लाला होने वाले है। जितने ब्रज की गोपियां थी ना, वो छह छह महीना पहले 84 गज की लहंगा चुंदरी और अलंकार को बना करके रखे। बोले नंद का लाला होगा तो हम सबके सब बधाई देने के लिए जाएंगे। और जितने गोप लोग बगल बंदी धोती पगड़ी बांध कर बना करके रखे। अभी मैया जसोदा की शरीर में कुछ गर्भ धारण का चिन्ह दिख रहा था, लेकिन ब्रज में एक बड़ी बूढ़ी बोली, बोले मैया लगता है तेरे पेट में ना दो बच्चे हैं। बोले दो बच्चे? बोले तुमने कुआरी बड़े में कोई जुड़वा केले तो नहीं खा ली थी? लगता है तेरे पेट में दो बच्चे। बोले फिर क्या होगा? बोले चिंता मत करो, भगवान राम जो करके अच्छो करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। एक बड़ी बड़ी गोपी बोली, बोले तेरे पेट में लगता है बेटा होने वाले। बोले तुम्हें कैसे पता चला? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीली पीली लग रही, मतलब है तुम्हारी गर्भ में बेटा होगा। इतने में जब गर्भ में बच्चा आई, माता को चटपटी नमकीन खट्टा ये सब चीज अच्छी लगती हैं। मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा हो रही है। बड़ी सुंदर गैया की दूध भी काजू किशमिश डालकर खीर बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाए, ठाकुर मैया जसोदा को खीर खिलाए। हाँ देखो माता है, एक चीज का ध्यान आप लोग सुनो। एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का मतलब होता है जब तुम्हारी पेट में बच्चे हो उसी समय अगर आप रामायण सुनोगे, भगवान की कथा सुनोगे, सत्संग सुनोगे, गीता पढ़ोगे ना, देखना वो बच्चा बहुत संस्कारी बनकर जन्म लेगा, हैं बड़े अच्छे संस्कारी बनेगा। लेकिन अगर उसी समय उल्टा पुलटा डिस्को ध्यान गंदी गंदी फिल्म में दोगे ना, वो बच्चा डाकू बनकर निकलेगा घर से। आप देखना कुछ कुछ बच्चों को देखना खूब पिताजी की आज्ञा को पालन करते हैं, लेकिन यही से कुछ बच्चे का उदर न रखते, पिता माता की बात नहीं सुनते। कारण क्या है? बल्कि गर्भ संस्कार गोबर में निर्भर करता है। आप लोग रामायण देखोगे, लव कुश देखे हो आप लोगों ने? आप लोग देखना जिस समय माता सीता गर्भ धारण की हुई थी उसी समय में अयोध्या में बड़े बड़े संत लोग वहां पर आए, और भगवान की राम दरबार में बड़े सत्संग हुई है। भगवान राम सीता जी को भी आसन दिए। बोले सीते जानते हो इतने साधु संत क्यों आए अयोध्या में? अभी तुम गर्भवती हो, अगर इसी समय में अगर तुम सत्संग सुनोगे, तुम्हारी जो दोनों बच्चों गर्भ में जो बच्चे हैं ना बड़े संस्कारी बन करके जन्म होंगे। आप लोग राम लव कुश देखे होंगे, देखे हो लव कुश? लव कुश कितने बलवान बने,
क्या उनका बुद्धि भगवान राम को राम कथा सुना रहे थे, क्या भजन गा रहे थे राम की कथा, जिसको सुन सुन करके पूरा अयोध्या वासी उसमें डूब रहे थे सबके सब, क्योंकि उन्होंने गर्भ संस्कार है। आप लोग ने महाभारत को देखे हो, कौन कौन टीवी में महाभारत देखे, हाथ उठाओ तो आप लोग देखे होंगे, देखना देखो ये गर्भ संस्कार का कितना प्रभाव है। जिस समय महाभारत युद्ध हो रही थी, इतने में द्रोणाचार्य ने एक चक्र व्यूह रचना की, जो चक्र व्यूह को अर्जुन के सिवाय कोई नहीं जानते, लेकिन अर्जुन ने दूसरे तरफ में युद्ध करने के लिए निकल गया, लेकिन चार पांडव तो चिंता में पड़ गए, ये तो अर्जुन को सिवाय कोई नहीं जानते। अभिमन्यु ने कहा मैं जानता हूँ। बल्कि कैसे जानते हो, बल्कि जिस समय मेरे माँ और मेरे पिता, माँ कौन है सुभद्रा, पिता अर्जुन, जब दोनों सो रहे थे, एक दिन ही मेरी मैया ने सोते समय मेरे पिताजी से पूछे ये चक्र व्यूह क्या होता है। उस समय अर्जुन ने ये चक्र व्यूह की बात सुना है, लेकिन चक्र व्यूह कैसे भेद गर्भ सुना दिया, लेकिन निकल गया कैसे सुनाने जा रहे थे, इतने में सुभद्रा सो गए तो अर्जुन ने सुनाया नहीं। इसलिए अभिमन्यु कहता है, इसलिए माँ के पेट में मैंने सुन लिया सारे ज्ञान, मैं तो भेद कर सकता हूँ लेकिन निकल नहीं सकता। भीमसेन चार पांडवों के लिए कोई चिंता नहीं, तो चक्र व्यूह को भेद कर दे और हम वापस ले पाएंगे। आप लोग देखे होंगे कैसे सप्तरथ ने ये अभिमन्यु को कैसे मारा है। देखो गर्भ संस्कार कितने बड़ी संस्कार है। इसलिए मैया यशोदा जब गर्भवती थी उसी समय में भगवान की कथा सुनती थी, सुंदर सुंदर ठाकुर जी की उसको तस्वीर दिखाया करते थे, जिसकी जो जो संस्कार माँ की गर्भ, क्योंकि माँ जो देखेगा वही तो अंदर में भावना चिंता होगी ना, इसलिए मैया यशोदा बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनती थी, भगवान की सुंदर सुंदर छवि देखती थी, यदि इसको गर्भ संस्कार कहते हैं। अभी ऐसे लग रहा था जैसे आज रात को ही किसी बच्चा का जन्म हो जाएगा। बोले देखो पहले पहले क्या होता था, 8 बजे तक सबके सब खा पी करके सो जाते थे, इसलिए जल्दी सवेरे सवेरे उठते थे। बोले 8 बजे तक तो सबके सब जगे रहेंगे, उसको बाद में सो जाएंगे, लगता है आज बच्चा जन्म होगा। कहे 2-2 घंटा यहाँ ड्यूटी लगवा दो, मजीरा ढोलकी दे दो, सबके सब कीर्तन करे। अभी 8 से 10 तक जिनको वहाँ पर रखवाली के लिए बताए, वो सबके सब भगवान की कीर्तन कर रहे थे। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे I'm
महीना पहले से आकर घर में बैठी गई। क्यों? भैया की बेटा होने वाला है, और बेटा होगा तो मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। इसी भाव से 6 महीना पहले घर में आकर जमकर बैठी गई और सारे घर का काम काज वही कर रही थी। अभी 10 बजे तक सब कीर्तन किए, लेकिन 10 से 12 बजे तक जिनको ड्यूटी लगाए वसुदेव महाराज कब बेटे को लाए और बेटे को रख करके कब बेटी को लेकर चले गए किसको पता ही नहीं। अभी शब्द सब जो निद्रा के द्वारा सब सोए हुए, सवेरे सवेरे सुनंदा की आंख जब खुली देखा सबके सब सोए पड़े हुए। बोले भैया जसोदा मैया की क्या स्थिति है? उन्होंने जा करके देखा, दरवाजा खोल करके मैया की गोद में नील मणि जैसे एक सुंदर बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा था। बोले पता नहीं कब बालकों का जन्म हो गया, किसको पता ही नहीं पड़ा। इतने में जो सुनंदा थी एक उन्होंने थाली को लेकर के ना जोर जोर से बजाई और वहां पर हल्ला मचा दिया है। बोले भैया नंद के लाला भयो हे, बोले श्री नंद के लाला की। बोले भैया भैया कहाँ पर? क्योंकि भैया को अगर ये पहला खबर दूंगा तो मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। तो वो ढूंढते ढूंढते देखा ब्रह्मांड घाट में भैया तो बैठ करके माला जप कर रहे थे। माला जब नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में लाला कब होगा, छोरा कब होगा, लाला कब होगा, वही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा जाकर के बोले भैया कमाल है, मतलब आश्चर्य हो गया है। नंद बाबा तो एकदम छलांग लगा दिए। बोले बहन ने कहा भैया हो बता। बोले बाबा पहले बताओ तू क्या मेरे को दोगे भैया? बोले ले 9 लाख की हार ले ले, 6 महीना पहले बैठी हो, 9 लाख की तू हार ले ले। बोले भैया और क्या मिलेगा? बोले दे दिया ना। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है ना, इसलिए बोले ट्रेजरी का सारे चाबी काटी तू ले ली, जो इच्छा तू निकाल करके ले लेना, लेकिन बता मेरे घर में क्या हुआ है। बोले नंद बाबा तेरे घर में लाला हुआ है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इतने में नंद बाबा दौड़ दौड़ करके आए, इतने सोच रहे थे घर में लाला कब होगा, क्यों भविष्य में राजा बनने के लिए कोई है ही नहीं। जब देखा पहला बार उन्होंने कृष्ण का मुख दर्शन किया, इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन मन में ब्राह्मण संतों को बोले 20 लाख गैया में दान दूंगा और 7 तीन की पर्वत महीने में ये साधु संत ब्राह्मण को दान दूंगा। उन्होंने संकल्प कर दिया, पहले ब्राह्मण को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाए और जितने ब्रज में एक नाई को भेज दिया, बोले सबको बुला करके ले आओ, नंद घर में लाला हुआ है, बधाई देने के लिए आए। जितने ब्रज की गोपियां सबके सब 84 गज की लहंगा लेगा चुंदरी पहन करके, जितने पुरुष लोग धोती बगलबंदी टोपी पहन करके और नंद बाबा को सबके सब बधाई देने के लिए आए। अब सबके सब नंद जसोदा को बधाई दे रहे। देखो मैं बोलूंगा नंद जसोदा बधाई हो, आप लोगों को बोलना बधाई हो, बधाई हो, जोर से बोलना मैं जब बोलूंगा। बोले मैया जसोदा नंद बाबा बधाई हो। नंद बाबा बोले बधाई हो ब्रजवासियों, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिला है। लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों का है। और जितने ब्रज की गोपियां थी ना बड़ी बड़ी गोपियां हृदय से आशीर्वाद दे रही थी। बोले क्या दे रही थी? बोले जुग जुग जियोरी मैया सदा मैया।
आशीर्वाद देते हैं ना, वो आशीर्वाद जरूर फल तक होता है। इसलिए नियम है, हमारी जो संस्कृति कहता है, सवेरे उठ करके पिता माता की और सास ससुर की चरण छूनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अरे बोलो क्या करनी चाहिए? कौन कौन छूते हो बताओ तो सही सही होता। सवेरे उठ करके पिता माता की चरण कौन छूते हैं? अपना सास ससुर की चरण कौन छूते हैं? कोई नहीं छू रहे। पीछे दो तीन हाथ उठा रहे। इसलिए देखो भगवान जो राम है ना, है मेरे गुरु जी को किसने कहा, गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनो, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। हमारे गुरु जी बोले बच्चों रामायण पढ़ते हो? उसको पूछा तुमने कभी रामायण पढ़े? बोले नहीं। बोले बच्चों को कभी बताया रामायण पढ़? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं और नहीं बच्चों को नहीं पढ़ेगा, बच्चे तो ही दूर होते। कहाँ पर बताया गया आप सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूनी चाहिए? ये रामायण बताया। कहते प्रात उठ रघुनाथा और मात गुरु पितु नमय नाथा। भगवान सवेरे उठ करके पिता माता की सबसे पहले चरण छूते थे। आप लोग रामायण देखे हो? अब देखे होंगे जब दशरथ महाराज शयन किए होते हैं, भगवान राम चाह करके स्वयं पिता माता की चरण की सेवा करते हैं। अब देखे होंगे सबके सब। ये कहां पर बताया पिता माता की सेवा करनी चाहिए? बोलो रामायण में। भगवान राम पितृ आज्ञा को पालन करने के लिए कितने दिन तक वनवास गए थे? अरे बोलो कितने दिन तक गए थे? अपना अपना बच्चों को बोले 14 दिन के लिए मेरी सेवा के लिए, मेरे आदेश पालन करने के लिए जा। बच्चे जाएंगे तुम्हें बताओ, तुम्हारे बच्चे जाएंगे कि नहीं? वो हनीमून मनाने के लिए जा सकते हैं लेकिन तुम्हारी सेवा के लिए नहीं जाएगा। गुरु जी कह रहे थे क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? बोले कारण है हम बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते हैं और खुद भी रामायण पढ़ते हैं, इसलिए हमारी ये दुर्गति है। ये हमारी ये दुर्गति इसलिए है, अगर रामायण पढ़ोगे ना। इसलिए भगवान यहाँ रहते थे, राज्य का नाम क्या? अयोध्या। अयोध्या मतलब क्या? जहाँ कभी युद्ध नहीं होता था। कहते कब तुम्हारी घर में लड़ाई युद्ध नहीं होगी? जब तुम रामायण पढ़ोगे। क्योंकि राम लक्ष्मण में देखा ना कितना प्रीति, भरत में कितने प्रीति आप लोगों ने देखे होंगे ना। इसलिए बहु बहु में कितने प्रीति, सास सास में कितने प्रीति, कितने त्याग वहां पर। इसलिए नियम है घर में हमारी रामायण होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं जानते हो? बच्चों को तो कभी बोलेंगे नहीं गीता पढ़ रामायण पढ़, स्मार्टफोन दे दो। ले बेटा स्मार्टफोन, दिन भर पबजी दे, जीवन को बिगाड़ दे। लेकिन कभी नहीं बोलते बच्चे को तो रामायण पढ़ कर, क्योंकि पिता माता खुद नहीं पढ़ते दिन भर। बच्चों को बोले तू मोबाइल नहीं देख ले, खुद मोबाइल लेकर बैठे दिन भर टीवी खोल कर बैठ गए, कोई भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं। तो घर अयोध्या कैसे बनेगा? अवध कैसे बनेगा? अवध मतलब जो कोई मरते नहीं गए। इसलिए शास्त्र कहता है, गुरु जी कहते भैया रामायण को पढ़ो और सवेरे उठ करके क्या करो, पिता माता की चरण छुआ, उनकी चरण छुने से जब हृदय से वो आशीर्वाद देते हैं ना, अगर तुम्हारी ललाट में कोई उल्टा पुल्टा होगा तो पिता माता के आशीर्वाद से खंडन हो जाता है। और सास ससुर को भी चरण छुनी चाहिए, ये हमारी शास्त्र शिक्षा देता है। आप किसकी भी चरण छो सवेरे उठ करके देखना, उनके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगा। इसलिए क्या करो,
पहले भगवान भजन करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो और बच्चों के अंदर में अच्छी संस्कार डालो। देखो मैंने कोई एक छोटा मुसलमान बच्चा था 10 साल का, मैंने उसको पूछा तेरे को पुराण आती है, वो छाती फुला कर बोले हाँ मेरे को पुराण आती है। मैंने कहा बोलो तो, छोटे छोटे बोलना शुरू कर दिया, वो छोटा छोटा बोलना शुरू कर दिया पुराण। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र में पुराण पढ़ाया जाता है? बोले कंपल्सरी 2 साल उम्र, कंपल्सरी। किसी मुसलमान को तो कथा, तो दिल्ली तरफ में रहते ना, छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके रास्ता रोड बंद कर देते शुक्रवार का दिन। हाँ बताओ तो हमारे हिंदुओं में कौन ऐसे व्यक्ति जो अपना बच्चे को बोलते गीता पर रामायण को, कौन ऐसे व्यक्ति बोलता है? इसलिए धीरे 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 देखना हमारे धर्म घटते जा रहे हैं। कश्मीर से लोगों को क्यों मार मार कर भगाए? कारण क्या था? हमारे धर्म का प्रति कोई निष्ठा नहीं है, बच्चों का देखो कोई संस्कार नहीं डालते। इसलिए धीरे धीरे यहाँ पर नाबाद चल आवाज, दिन में 5 बार आवाज आती है, हैं? मस्जिद से छोटे छोटे बच्चों का आवाज आती है, हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को वो बैठ करके नमाज पढ़ते, छोटे छोटे बच्चे। हमारे हिंदुओं में बताओ तो कौन बच्चों का दिल में गीता पढ़ रहा, कौन ऐसे व्यक्ति जो संस्कार देता है? वही नहीं देते। इसलिए धीरे धीरे आपको पता होगा हमारे हर साल में 10 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, 10 लाख हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है प्रचार करते करते। बताओ तो आप लोगों के अंदर में कौन ऐसे व्यक्ति जो हमारी सनातन धर्म को प्रचार करते, दूसरों को अंदर में प्रेरणा देते हो, कम से कम हिंदू लोगों को अंदर में प्रेरणा देते हो भजन को? कोई नहीं करती सब चीज को। इसलिए हमारे धर्म है ना, इसलिए हमारे धर्म धीरे 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 घटते जा रहा है, घटते जा रहे, बढ़ते नहीं जा रहे। इसलिए अगर चाहते हो हमारी संस्कृति रक्षा हो, हमारे बच्चों को अंदर में अच्छी संस्कृति आए, बच्चे संस्कारी बने, क्या करो? रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो और बच्चों को भी धर्म में प्रवृत्ति कराओ, बच्चों को भक्ति में प्रवृत्ति कराओ। देखना जो बच्चे धार्मिक बनेगा ना, आप देखना जरूर वो पिता माता की सेवा करेगा। क्यों? इसका अंदर संस्कार है। नहीं, हमें पिता माता की सेवा करनी हमें चाहिए। अगर संस्कार नहीं दोगे ना, बस घर में बहू आएगी एक रात में ऐसे मंत्र देगी, देखना दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब, बेटा का बुद्धि खराब हो गया। कारण है हम कोई संस्कार बच्चों को नहीं दिए, सब हमारे दोष है, ठीक है ना? सबके सब बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बच्चे अच्छे संस्कार बने, गीता रामायण पढ़े, भगवान की भजन करे और जीवन में सुखी रहे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए यहाँ पर जितने ब्रज की गोपियां थी कृष्ण को सबके सब हृदय से आशीर्वाद सबके बोल रही थी, जुगु जुगु जियो री जसोदा मैया तेरो लहन, आशीर्वाद दे रही थी सबके सब। आगे हम दो व्यक्ति नहीं आए, एक वृषभानंद महाराज और कीर्तिका सुंदरी, राधा रानी की पिता माता नहीं आए। जब ये दोनों आए ना, बोले अभी ये कहते उत्सव प्रारंभ होने चाहिए। जब कीर्तिका सुंदरी आई सर के ऊपर में दूध दही की मटकी लेकर के आई थी, एक गोप गया और एक लठिया लेकर के मारी मटकी में, मारते ही मटकी फूट गई और कीर्तिका सुंदरी दूध दही में नहा लिया। एक दधी का दी होता है, दही में हल्दी और घी मिला करके दूसरे को शरीर में लगाते हैं और वहां पर इतने दही लाए थे ना, दूध लाए थे, वहां पर कीच कीच हो गया और सब फिसल फिसल करके गिर रहे थे, हैं? सबके सब फिसल फिसल कर गिर रहे थे, गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद लेकिन नंदोबा
नंद बाबा को पकड़ कर ले आए, बोले आज तेरे घर में लाला हुआ, कम से कम आज तो नाच ले। अभी कहाँ पर ले आए, बोले आंगन में। नंद बाबा राजा था, राजा है, आंगन बहुत बड़ी आंगन है इनके, आंगन है बहुत बड़ी इनके आंगन है। इतने दूध दही लाए तो पूरा आंगन भर गया था, ऐसे लग रहा था जैसे कि खीर समुद्र प्रकट हो गया। और नंद बाबा को जब खड़े कर दिया ना, वो ऐसे लग रहा था मानो ये खीर समुद्र मंथन होने जा रहे। कमर में एक फेटा बांध कर रखे थे, एक तरफ पे बरसानगर गोप, दूसरे तरफ पे नंदगांव की गोप, दोनों तरफ में वो पकड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था अभी ये खीर समुद्र मंथन होएगा। और कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब लवण समुद्र मंथन की, वहां से सबसे पहले हलाहल विष निकला, लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम कौन निकले, बोले नंदस्तु आत्मा जात लाल महामने। यहाँ पर तो स्वयं आनंद कंद स्वरूप भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और साधारण समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद बाबा इतने हीरे जवाहरात असर्पियों को दान दिए, ब्राह्मण लोगों तो गठली बांध बांध कर नहीं ले पा रहे थे, गठली की कोण से निकल करके अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखर रहा था। ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी से अली गलियों में माँ लक्ष्मी नृत्य कर रही है, इतनी सुंदर लग रहा था। और वहां पर स्वयं शंकर भी आए थे, भगवान जन्म हो गए ना, भोले बाबा भी आए थे, लेकिन नंद बाबा तो उन्हें 20 लाख गैया दान दिया। अभी शंकर तो डर गए, बोले क्यों, बोले भैया मेरे बहाने भी कौन है, शंकर जी का बहाने कौन है बताऊं, जोर से बोले शंकर जी का बहाने कौन है, नंदी। बोले भैया मेरे नंदी में तो गैया है, वो भी तो बैल है, हो ना हो जहाँ 20 लाख गैया दान दे रहे हैं, हो ना हो भूल से अगर मेरी नंदी को अगर दान में दे देंगे तो फिर मैं किसको ऊपर बैठ के नहीं जाऊंगा, इसलिए नंदी को उन्हें पूछ को पकड़ लिया, मेरे नंदी नहीं चली जाए। वहां पर माता पार्वती भी आई, उनको भी 2 लाला है, कौन कौन है, गणेश और कार्तिक, इसलिए कहते हैं ना हाथी घोड़ा पाल की, उन्हें इतने हाथी घोड़े दान दे रहे थे। अभी गणेश जी गजानन है, हाथी का सर है, बोले भैया भूल से हाथी दान देते थे, अगर मेरे बेटे को अगर दान में दे देगा तो मेरा बेटा ही चला जाएगा। मैया पार्वती तो ऊपर उठाकर गोद में लेकर के चुपका कर खड़ी थी। वहां पर स्वयं कुबेर आया था, कुबेर कौन है, सारे स्वर्ग के जितने धन दौलत के तो भंडारी है, लेकिन आज नंद बाबा इतने दान दिए, कुबेर स्वयं लज्जित होकर सर को नीचा कर दिए, बोले भगवान मेरे को क्यों झूठ मूठ का कुबेर बनाए, आज नंद बाबा इतने धन दौलत दे रहे हैं, मेरे पास में भी इतना है नहीं, इसलिए बड़ी आनंद पूर्वक सब के सब नाच रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति दुखी होकर बैठी हुई थी, बोले कौन, बोले रोहिणी। बोले रोहिणी क्यों दुखी थी, बोले इनके पति वसुदेव महाराज अभी कंस के कारागार में, अगर किसकी पति कारागार में बैठा हो उसकी पत्नी कभी सबके सामने नाचेगी, कभी नाच नहीं सकती, दुखी होकर के बैठी हुई थी। इतने में नंद बाबा बोले रोहिणी क्यों नहीं दिख रही है, देखा रोहिणी गुमसुम होकर बैठी हुई। बोले रोहिणी घर में तुम दो ही व्यक्ति हो, जसोदा और तुम, जसोदा तो अभी बच्चा जन्म दिया, घर का कोई काम काज देख नहीं सकती, इसलिए कम से कम तू तो आकर के देख, तू जब से ये ब्रज में आई हो, पहले तो बलदेव प्रभु आए, उसको बाद में मेरे लाला हुए, अभी कम से कम लाला को आशीर्वाद तो दे करके आ, लेकिन बलदेव प्रभु जब से जन्म हुई है तब से आंख बंद करके रखी। बोले जब मैं आंख खोलूंगा सबसे पहले श्री कृष्ण को दर्शन करूंगा, जब उन्होंने बलदेव प्रभु को ला करके कृष्ण को पास में रख देगी, झट बलदेव प्रभु आंख खोल दिए। रोहिणी तो दुखी थी, लेकिन जब देखा बेटा ने आंख खोल दिए, मैया रोहिणी की आनंद की सीमा नहीं रही, बांस को भी ठुमुक लगा करके नाचना शुरू कर दी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले रोहिणी च महाभागा, ये रोहिणी बड़ी भाग्यवती, बोले क्यों, बोले मथुरा के कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए हैं, लेकिन ये नंद महोत्सव का आनंद कोई नहीं ले सका, मथुरा के केवल एक व्यक्ति यहाँ पर गोकुल में श्री रोहिणी केवल वही ये नंद महोत्सव के आनंद ले रही है,
बोले रोहिणी च महाभागा, ये जो मैया रोहिणी ये बड़ी सौभाग्यवती जो नंद महोत्सव में विद्यमान है। बोले श्री रोहिणी मैया की प्रभु जी एक बधाई आ। हाँ अभी हमारे ब्रजवासी प्रभु जी महोत्सव की बधाई सुनाएंगे, हो सकता आप खड़े होकर गा सकते हैं। ब्रज में जय जय जयकार, लाला जानो ब्रज में रे जय जयकार, नंद हरि लाला जायो हे, लाला जानो हे, नंद हरि लाला जायो हे, ब्रज में रे जय जय रे, नंद हरि लाला
कृष्णदास प्रभु जी, कृष्णदास महाराज जनागर। देखो अभी हम मथुरा में चलते हैं, अब जिस समय से वसुदेव महाराज ने वहाँ बेटी को रख करके बेटे को लेकर के आए, कंस को जो पता चला मेरा काल ने जन्म ले लिया, वो भागते भागते आए और वो थी अभी तक जोग माया, क्यों देवकी के गर्भ में, और ये स्पर्श करते हो गया महामाया, क्योंकि जोग माया को कंस स्पर्श नहीं कर सकता। जब पछाड़ने के लिए गया उसने अपना चरण से एक ठोकर मार कंस को, कंस वहीं पर रुक गया और आकाश में जा करके बोली, बड़े रे मुड़ कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। बोले ये तो मेरी कुल देवी कभी झूठ प्रभु जी को मार के जाए, ये तो कभी झूठ नहीं बोल सकती है। उन्होंने सारे तृणावर्त घासुर बघासुर को बुलाई, मीटिंग किया उसको, बाद में कैसे पुतना मरी, कैसे घासुर मरी, क्या कैसे किया। प्रभु जी अभी आपको कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी अभी कृष्ण की कुछ लीला श्रवण कराएंगे श्री कृष्णदास महाराज। जन शलाकया सत्सुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्रील महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बहुत सारे कारण, उनके जन्म के रहस्य महाराज जी ने बताया किस प्रकार से कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ और प्रकट मथुरा में हुआ। जगत के लोगों को ये बात पता ही नहीं है, वो यही सोचते हैं कि वो मथुरा में उनका जन्म हुआ और उसके बाद में वसुदेव जी उनको गोकुल में लेकर के आए। लेकिन केवल मात्र हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने इस बात को शास्त्र के प्रमाण के आधार पर प्रकाशित किया, कोई ऐसे नहीं कि अपने मन से बोल दिया, शास्त्र के ही प्रमाण है बहुत सारे, महाराज जी ने बताए भी थे। उसके आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण चतुर्भुज रूप में मथुरा में प्रकट हुए और जब देवकी और वसुदेव ने उनको कहा तो फिर वो एक शिशु बालक बन गए, किंतु कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से। पुराण में वर्णन आता है कि जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ उस समय अष्टमी खत्म हो गई थी और नवमी तिथि में एक कन्या ने भी जन्म लिया। पुराण में वर्णन है नवमी तिथि में एक कन्या ने भी जन्म लिया और वो जो कन्या थी वही योग माया थी, जिसको हम लोग सुनते हैं कि वसुदेव जी कन्या को लेकर के चले गए, किंतु कृष्ण उनको दिखे नहीं वसुदेव जी को, क्योंकि भगवान ने योग माया के द्वारा उनको ढक दिया। इसलिए एक और भी प्रमाण है जो भी महाराज जी ने बताया कि जब वो कन्या ने कंस के सिर के ऊपर लात मारी उस समय श्लोक आया, सात हस्ता समुत्पत्त्य सद्यो देव्यंबरम गता अदृश्य तानुजा विष्णु सायता अष्ट महाभुज। कह रहे हैं कि वह कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और उसने अष्टभुजा महारूप धारण कर लिया, किंतु एक विशेष बात इस श्लोक में है, अदृश्य ता अनुजा विष्णु, वो विष्णु की अनुजा माने छोटी बहन है, अगर कृष्ण का वहां जन्म ही नहीं हुआ तो ये छोटी बहन कैसे हो गई, ये भी प्रमाण दिया हमारे आचार्यों ने
कि इसका मतलब है कि वह कृष्ण की छोटी बहन है, कृष्ण के साथ में उसने जन्म लिया है, कृष्ण के बाद में जन्म लिया है, इसलिए वो कृष्ण की छोटी होती है। उसके पश्चात में कृष्ण जब थोड़े बड़े हो गए, घुटनों के बल में चलने लगे, बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं, जो भगवान के ही अनंत अवतार है। उन अनंत अवतारों में से भी कृष्ण अवतार का बड़ा विशेषता है, उसमें रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, ये चार माधुरियां जो हैं, वो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी अवतार में भी नहीं है, राम नरसिंह वामन इत्यादि किसी अवतार में। उसी में ही भगवान कैसे लीला करते हैं, बिल्कुल नर्वत लीला करते हैं। छोटे से बालक हैं, दाऊ जी भी बड़े होने से और दोनों घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया। घुटनों के बल चलते हैं तो गोपियां आकर के उनको पीछे से देखती है और कहती है कि जो आगे निकल जाएगा उसको हम लड्डू देंगे। तो दोनों कंपटीशन करते हैं, छोटे बच्चों को देखा ना, घुटनों से बल चलते चलते लुढ़क जाते हैं, फिर लुढ़क जाते हैं तो फिर गोपियां उनको गोद में उठा करके कुछ काटती है, प्यार करती है, इस प्रकार से लीला करती है। कभी घुटनों के बल चलते चलते अभी छोटा कोई बछड़ा है उसकी जाकर के पूंछ पकड़ ली, अब पूंछ पकड़ ली तो बछड़ा तो डर के मारे भागता है, तो डर के मारे जब भाग रहा है और पूंछ वो पकड़े हुए पूंछ छोड़ते नहीं है, तो बछड़े के पूंछ के साथ ही घिसटते हुए आंगन में चले जा रहे और वे चिल्ला रहे मैया 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 मैया। ये जो लीलाएं हैं यही बताया कि देखो भगवान होने पर भी कैसी नर्मद लीलाएं करते हैं, कितनी मधुर मधुर लीला। और गोपियां ऐसे देख करके उनको तालियां बजा करके हंसती है, उनका मजाक उड़ाती है, कहती है अरे तुम तो गोप वंश के हो, तुम अभी से गाय के छोटे छोटे बछड़ों से ही हार गए, तो तुम बड़े होकर के गैया क्या चराओगे। इस प्रकार से गोपियां उनका मजाक उड़ाती। फिर कभी आंगन में कोई कुत्ता बैठा हुआ है, वो कुत्ते के पास में जाकर के उसके गले में हाथ डाल देता और उसका मुंह खोल करके, छोटे बच्चे होते हैं ना उनको तो कुछ पता नहीं, मुंह खोल करके कभी उसकी जीभ पकड़ लेते हैं, कभी दांत गिनना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे बताए ना, हम लोग छोटे छोटे बच्चों की चीजें देखते हैं उसी प्रकार की बिल्कुल नर्वत लीला की। कभी आंगन में सांप देख दिए, वो सांप के पास में रेंगते हुए चले गए और उसको पकड़ लिया एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसके कान के ऊपर ऐसे हाथ लगा, और मैया यशोदा दूर से देख रही है और उनका तो बिल्कुल कैसी अवस्था होगी, माता की बच्चा सांप के साथ में बैठा हुआ है, माँ की कैसी अवस्था होगी, वो तो भय के मारे नारायण को पुकारने लग गई। फिर थोड़ी देर बाद जब वो सांप चला गया तब मैया ने नारायण को बड़ा धन्यवाद दिया कि प्रभु आज आपने मेरे बच्चे की रक्षा कर ली। कभी अग्नि को पकड़ने के लिए आग की जो लौ होती है ना, आग की लौ को पकड़ने के लिए दौड़ी, तो गोपियां पूछती उनसे कि क्या तुमको ताप नहीं लगता है, तो कहते हैं भैया हमको तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। एक दिन क्या हुआ कि जो बच्चे लोग होते हैं बड़ों का अनुकरण करते हैं, जो गोपियां पानी भरती कुएं से, तो कुएं में पानी भरने के लिए रस्सी डालती कलश बांध करके, तो वहां कलश और रस्सी सब बंधा हुआ रखा था और दाऊ जी ने और बलदेव कृष्ण ने दोनों ने वो रस्सी को लेकर के कुएं में डाल दिया। अब कुएं में तो डाल दिया, अब उसमें पानी भर गया तो भारी हो गया, है तो छोटे से ही, अब वो खींच रहे तो खींच नहीं रहा, लेकिन छोड़ते नहीं है, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जब खींच नहीं पा रहे फिर चिल्ला रहे मैया मैया मैया। मैया दौड़ करके आई है, कहती हे भगवान इनका क्या करें, कैसे कैसे नारायण की कृपा से इनके प्राण बच रहे हैं, नहीं पता नहीं आज क्या हो जाता, बच्चे तो कुएं में ही गिर जाते। इस प्रकार से बड़ी मधुर मधुर बाल लीलाएं करते हैं। और माखन चोरी की लीला सारा जगत जानता है, कैसे कैसे माखन चोरी की अद्भुत लीला है, लेकिन देखो ये सारी लीलाएं भगवान कर क्यों रहे, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, ये मुख्य बात। अभी महाराज जी ने भगवान के अवतार के कारण बताए थे, उसमें एक कारण बताया, मूर्ते नाम्य समर्थम सक्तो यद्यपि दानवान मद भक्ता नाम विनोदार्थम करो मे विविधा क्रिया, कि शास्त्र में गीता में भगवान कह रहे हैं यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब अधर्म की हानि बढ़ जाता है और धर्म की हानि होती है तब तब अधर्म का विनाश करने के लिए दुष्टों का संहार करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। लेकिन ये वास्तविक मुख्य कारण नहीं है, भगवान के अवतार का कारण है लेकिन मुख्य कारण भगवान यहाँ पर बता रहे हैं,
कह रहे हैं कि यद्यपि जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी असुर हैं उनको तो मैं एक मुहूर्त में नष्ट कर सकता, और ये मुहूर्त भी भगवान के लिए बहुत बड़ी बात है। वो एक क्षण में सारे ब्रह्मांड को नष्ट करके फिर से ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकता, उनकी अचिंत्य शक्ति है। इसके लिए भगवान नहीं आते जाते, ये तो शिव जी को बोल देंगे, ब्रह्मा को बोल देंगे, वो करते ही नहीं। फिर क्यों आते हैं? मद भक्ता नाम विनोदार्थम करो मैं विविधा, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ये सारी लीलाएं अगर भगवान नहीं करते तो हम क्या सुनते? हमारा चित्त उनकी ओर कैसे आकर्षित होता? कल हम लोगों ने भागवत का जो कल परसों महिमा सुन रहे थे उसमें सुना सुखदेव गोस्वामी तो जंगल में चले गए जन्म लेते, वापस क्यों आए? यही भगवान की लीलाओं को सुनकर के, भगवान के स्वरूप का जो सौंदर्य का वर्णन है उसको सुनकर के, उनकी लीला को सुनकर के, जो कैसे उन्होंने पूतना का वध किया था, किस प्रकार से वो दयालु है। तो इसीलिए भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ऐसी नर्वत लौकिक लीलाएं करते हैं। तो गोपियां एक दिन आ गई और आकर के कन्हैया की ओर देख रही और कह रही है कन्हैया बोल दे। अब कन्हैया क्या करे, अभी बोल दिया तो मैया पिटाई लगा देगी। इसलिए जैसे बच्चा होता है ना, जब डरता है तो क्या करता है, माँ के आंचल में छुपने की कोशिश करता है। तो ऐसे माँ के आंचल में ऐसे छुप करके आंखें अपनी ढक ली और देख रहे थे कहीं बोल ना दे। गोपियों ने कहा सुनो मैया ये क्या करता है, अपने लाला की करतूत तो सुन लो। ये हमारे घर में आकर के छुप करके माखन चुरा लेता है। करिया सोच रहे थे कि मैं ऐसे डरूंगा तो शायद गोपियां ना बताएं, लेकिन गोपियों ने कहा बता कर ही रहेंगी, इसलिए बताया कि ये हमारे घर में आकर के माखन चुरा लेता है। और माखन मैया ने कहा कि तुम माखन छुपा दिया, कहते छुपाएं तो तब, इसने हमारे घर के बच्चों को भी तो मिला लिया है, पूरी टीम बना ली, हमारे घर के बच्चे भी इससे मिल गए। अब वो बता देते हैं कि मैया ने कहा माखन छुपा करके रखा हुआ, तो ये ऐसे करके चुरा लेता है, चुरा करके खाता है। तो मैया ने कहा हमारे घर में क्या माखन की कमी है क्या, 9 लाख गाय हमारे अंदर यहाँ पर, और फिर छोटा सा बच्चा है, अगर माखन उसको भूख लगती है कितना खाएगा? अरे जितना घड़े में थोड़ा कहीं चिपका रह जाता है ना, तो छोटा सा बच्चा 1 साल का है, उतने में तो उसका पेट भर जाता है, तुम लोग दे दिया करो। कहते मैया यही तो आश्चर्य की बात है, हम इसको बुला बुला करके कहती है कन्हैया आ जा माखन खा ले, बड़ा ताजा माखन है, बड़ा मीठा है, खाता नहीं है। फिर जब हम घर का काम करने के लिए गौशाला में चली जाती है तब जाकर के फिर दूसरे के यहाँ से छुप करके फिर देख करके आकर के पीछे से माखन खाते, और खुद खाए तो कोई बात नहीं, चिंता की पहले बंदरों को खिलाएगा, कौओं को खिलाएगा, बुला बुला करके बंदरों को खिलाता है। अगर किसी बंदर ने नहीं खाया तो कहता है अच्छा तुम लोगों ने नहीं खाया, जाओ तुम्हारे दुख में मैं भी शामिल हूँ, मैं भी नहीं खाऊंगा, और गुस्से में आके मटकी तोड़ देता है कि मेरे दोस्तों ने माखन नहीं खाया तो इस मटकी का फायदा क्या, ऐसे मटकी तोड़ देता है। कहती है चलो इससे भी कुछ नहीं है, उसके बाद में अगर कभी इसको माखन नहीं मिलता है तो फिर क्या करता है? कहते फिर ये करता है कि घर में मलमूत्र त्याग कर, जहाँ पर गोबर में लिपाई पुताई करी ना, अच्छा माखन नहीं मिला, देखो अभी तुमको बताता, जहाँ पर उन्होंने पूरे साफ आप किया, लिपाई पुताई करी, वहां पे मलमूत्र त्याग करके चला जाए। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं घर में, उनको चोटी नोच करके और भाग जाता है, वो रोने लगते हैं, इस प्रकार से परेशान। इससे भी बड़ी बात गुंडागर्दी, देखो है तो 1 साल की उम्र, गुंडागर्दी कैसे क्या, जिस दिन इसको माखन नहीं मिला उस दिन धमकी दे करके जाता है हमारे बड़े बूढ़ों, कल आऊंगा आग की लकड़ी हाथ में लेकर के आऊंगा, तुम्हारे घर में आग लगा के जाऊंगा, मुझे माखन मिला क्यों नहीं, मतलब उसको माखन चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या करें बताओ। और ये कह करके जो कन्हैया है वो तो बेचारे डर के मारे चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं कि कहीं मैया पिटाई ना लगा दे, लेकिन मैया ने कुछ नहीं बोला क्योंकि अभी मैया को विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन कभी अपने घर में एक बार क्या हुआ कि मैया ने एक पूजा के लिए एक बछड़े को लाने के लिए भेजी कन्हैया बछड़ा लाने के लिए गई। बछड़े को अभी तो छोटे ही हैं,
बछड़ा आ नहीं रहा है तो उसको धक्का दे दे करके जैसे तैसे करके घर के भीतर लेकर के आए। जैसे ही घर के भीतर देखा तो ऊपर माखन का छींका लटका हुआ है मटकी, तो उनके मन मुंह में पानी आ गया। जैसे मुंह में पानी आ गया सोचने लगे क्या करूं, बछड़े के पीठ पर बैठ कर चढ़ करके और वो माखन ऊपर से निकाल दे रहा। तो बछड़ा तो छोटा ही था, उसने देखा कि ये तो चढ़ गया है तो बछड़ा नीचे से भाग गया। तो माखन की मटकी को लेकर के लटके हुए और मैया मैया चिल्ला रहे। इस प्रकार से कृष्ण बाल लीलाएं करते। एक दिन थोड़ा आंगन के बाहर निकलने लगे, थोड़ा और बड़े हो गए। बड़े होकर के देखा कि बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए, लेकिन बगीचे में घुस नहीं सकते क्यों, बाहर से कांटे लगे थे, कांटों की बाउंड्री है। तो दाऊ के साथ में किसी प्रकार से वो कांटे तो उठा लिए, कांटे उठा करके भीतर चले गए, फूल तोड़ लाए। अब फूल तोड़ के बाहर निकल रहे तो वो कांटे उठते ही नहीं है। अब बड़े परेशान हो गए, भीतर फंस गए। फिर मैया मैया करके चिल्ला रहे तो मैया ने आकर के किसी तरीके से उन कांटों को उठा करके कन्हैया को बाहर निकाला और गोद में लिया। इस प्रकार से भगवान देखो कैसी कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक दिन माटी मच्छर लीला की, आंगन में बच्चे लोग खेल रहे थे। जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, देखा कोई बालू के घर बनाते हैं तो मिट्टी के घर बनाते हैं, मिट्टी के घर बना रहे। उसी समय जो सारे बच्चे हैं वो आगे देख रहे कन्हैया का घर, कन्हैया का घर बनता ही नहीं है, टूट जाता है, बनाने की कोशिश करते बनता ही नहीं है। कन्हैया बड़े परेशान है और बच्चे लोग हैं वो और मजाक उड़ा रहे, कह रहे देखो देखो इसको घर बनाना भी नहीं आता, देखो हमारा घर कितना सुंदर, ऐसे चिढ़ा रहे। जब इस प्रकार से चिढ़ा रहे थे तो फिर कन्हैया को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने फिर सारी माटी इधर उधर फेंक दी और थोड़ा सा माटी लेकर के खाने लगे। जब खाने लग गए तो बच्चे कहने लगे अरे देखो कन्हैया माटी खा रहा। दाऊ जी को बोल दिया, दाऊ जी भी गए मैया से शिकायत कर दी कन्हैया माटी खा रहे। मैया बड़े गुस्से में आई, कहते कन्हैया माटी खा रहा है, कहते नहीं मैंने माटी नहीं खाई, झूठ बोलता है, दाऊ तो बोल रहा है, दाऊ तो झूठ नहीं बोलते। कहते हैं कि नहीं देखो भैया मैंने माटी नहीं खाई, तुम चाहो तो मेरा मुंह चेक कर लो। भैया ने कहा अच्छा ठीक है, मुंह खोल के दिखाओ, मुंह खोल के दिखाओ। अब कन्हैया को डर है कि अगर मुंह के अंदर मिट्टी दिख गई तो मैया तो पिटाई कर देगी, इसलिए सोचने लगे कैसे बचे। बस जैसे ही ऐसा कृष्ण सोचते हैं उसी समय उनकी जो ऐश्वर्य शक्ति है वो वहां पर प्रकाशित हो जाती है। भगवान की सारी शक्तियां उनकी सब समय सेवा में रहती है। जब भगवान सोचते हैं नर्मद लीला करने के लिए, फिर बाल लीला करने के लिए, उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति वहां पर सेवा नहीं करती, वो छुपी रहती है, लेकिन वही देखती रहती है कब प्रभु को कब जरूरत पड़ जाए मेरे। जैसे हम लोग सुनते हैं ना दाम मंदिर लीला भी सुनेंगे, तो मैया ने सारे घर की रस्सियां बांध दी। कन्हैया की उम्र कितनी, 2 साल, कमर कितनी जरा जरा, घर की सारी रस्सियां बांध दी लेकिन फिर भी कमर नहीं बांध पाई, क्यों, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति वहां पर प्रकाशित हो गई। तो इसलिए जब कन्हैया ने देखा कि मैया मारेगी तो डर गए, और डर गए जैसे ही तो भगवान की शक्ति ने देखा ओ प्रभु को मेरी जरूरत है, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्य प्रकाशित किया। जैसे ही मैया ने मुख खोला, मुख के अंदर में देखा ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे सब कुछ देख, और देख रहे हैं कि सारा ब्रजमंडल जो ब्रजवासी है सारे वो सब भी मुख के अंदर ही है, और मैं भी हूँ, नंद बाबा भी है, और वही लीला जो वहां बाहर चल रही थी वही भीतर भी चल रही है। तो मैया तो भयभीत हो गई, सोचने लगी पता नहीं क्या हो गया लाला को, हे नारायण मेरी लाला की रक्षा करो। इस प्रकार से जब सोचने लगी तो फिर कृष्ण ने, कृष्ण की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो वहां से अंतर्धान हो गई, और फिर कृष्ण वैसे ही जैसे बच्चे के जैसे और वैसे ही। और जब कृष्ण इस प्रकार से कभी ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित करते हैं तो मैया फिर क्या करती है, गोमूत्र से नहलाती है, गोबर से नहलाती है, ब्राह्मणों को बुलाती है, स्वस्ति वाचन कराती है, गोदान करती है। इस प्रकार से कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर बात है। वांछा कर्तव्य कृपा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, मक्खन चोर भगवान की। अज्ञान के निरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च प्रकाशन्तु उभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम त्रिरंडी स्वामी प्ररजक आचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा मातृमंडली श्रोत्र मंडली सभी को मेरे यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हम श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार नंद बाबा के घर में नंद भवन में उत्सव चल रहा है। कृष्ण कन्हैया स्वयं आनंद गंध के जन्म लेने पर पूरे ब्रज पे मानो हरियाली छा गई। पूरे ब्रज में इतना आनंद उत्सव हो रहा है और नंद बाबा मनी मन विचार कर रहे हैं कि अब तक घर में कोई संतान नहीं थी इसलिए बड़े उदासीन थे, राज कार्य में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ है नंद बाबा के हृदय में भी अनेक अनेक भाव उमड़ रहे हैं कि लाला कब बड़ा होगा, कब लाला की शादी होगी, घर में बहू आएगी। तो इन सब चीजों के चिंतन करते करते नंद बाबा ने सोचा कि भैया इस साल का इनकम टैक्स तो दिया ही नहीं। नंद बाबा के पास भी 9 लाख गाय हैं, बहुत दूध मक्खन सब कुछ होता है, तो कंस को टैक्स नहीं दिया। तो इसलिए कंस को क्रय देने के उद्देश्य से नंद बाबा आज अभी चले गए हैं मथुरा में। सब ग्वाल बालों को कहा भैया लाला भी तुम्हारा, घर भी तुम्हारा, तुम खूब यहाँ उत्सव मनाओ, मैं कंस को क्रय देकर आता हूँ। और नंद बाबा उस तरफ आ गए थे मथुरा में। मथुरा में जब उनकी भेंट हुई वसुदेव महाराज से, वसुदेव महाराज उन्हें बातों बातों में प्रश्न कर रहे थे कि हमने सुना है तुम्हारी बूढ़ी उम्र में लाला हुआ है। यद्यपि वसुदेव महाराज स्वयं ही बालक को यहाँ नंद के यहाँ रख के आया है, तो वसुदेव महाराज बातों बातों में प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे यहाँ बूढ़ी उम्र में लाला हुआ है मैंने सुना है। नंद बाबा भी कहते कि हाँ आप लोगों के आशीर्वाद से एक संतान का जन्म हुआ है। और नंद बाबा ने भी प्रश्न किया कि हमने सुना है तुम्हारे 6 पुत्र को कंस ने मार दिया, सातवीं एक कन्या हुई थी वो भी आकाश में उड़ के चली गई। इस प्रकार दोनों चर्चा करते करते वसुदेव महाराज नंद बाबा से कहते हैं कि तुम शीघ्र शीघ्र अपने गोकुल चले जाओ, मुझे ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे यहाँ कोई अनहोनी होने वाली है। अभी नंद बाबा तो थे वसुदेव महाराज के पास में मथुरा में, और मथुरा से कृष्ण की मौसी जी आ गया पूतना। हाँ कंसेर प्रहिता गोरा पूतना बाल घातिनी, कंस के द्वारा प्रेरित होकर जब कंस को ये पता चला कि मेरा काल अन्यत्र जन्म ले चुका है, योग माया देवी ने यही कहा था महामाया ने, तो उस बच्चे को मारने के उद्देश्य से पूतना कहने लगी बोले भैया आप चिंता मत करो, 10 दिन के भीतर में जिस जिस भी नवजात शिशु का जन्म हुआ है मैं जाकर उन्हें मार दूंगी, मेरा नाम ही पूतना है। पूतना अर्थात अपवित्र, पूतना पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। पूतना ने क्या किया, कंस के द्वारा प्रेरित होकर और ब्रजमंडल में आ गई। सब वहां पर तो नंद भवन में बधाई देते देते जा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सारी ब्रज गोपियां सच धज के और नंद भवन में बधाई देने के लिए जब जा रही थी पूतना ने भी बड़ा सुंदर रूप धारण किया। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी उसका स्वरूप देख देख के तो सब ब्रजवासी आकर्षित हो रहे थे। कहते हैं ये कमल वन से कौन सी लक्ष्मी कृष्ण के स्वागत के लिए आई है, उसकी मुस्कान सभी को आकर्षित कर रही थी। कानों में बड़े सुंदर कुंडल पहन रखे थे, केशों को मल्लिका पुष्प से इतना सुसज्जित करके वेणी रूप में गूंथ रखा था। चंद्रमा की छटा को भी पराभूत करने वाले चमचमाते चमकीले वस्त्र, साड़ी को इतना सुंदर रूप में सजी हुई, उसकी चाल उसकी पतली कमर को देखकर सब ब्रजवासी सोच रहे थे यह पूर्व सुंदरी आज कहां से आ गया। नंद भवन में जैसे ही प्रवेश किया बोले मैया यशोदा बधाई हो, मैंने जैसे ही सुनो तेरे घर लाला भयो है सारे काम छोड़ गया आ गई लाला के मुख दर्शन कर बैठो। नंद बाबा अब यहाँ पर यशोदा मैया भी विचार कर रही है कि इसे मैंने पहले तो कभी नहीं देखा, ये नई गोपी कहाँ से आ गया। फिर सोचने लगी कि चलो ये सारी बातें बाद में करूंगी। कृष्ण के दर्शन के लिए कृष्ण उस समय पर पालने में सो रहे थे, तो पूतना ने आव देखा ना ताव और तुरंत जाकर कृष्ण को गोद में लेने की इच्छा करी। अभी कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ टीका में प्रश्न करते हैं भैया ये तो पूतना तो राक्षसी है,
ये राक्षस भगवान के चिन्मय ब्रज धाम में प्रवेश कैसे कर लिया, ये तो अपवित्र पूतना ये ब्रज में कैसे आ गया। तो उस समय पर उसका उत्तर स्वयं ही देते हुए कहते हैं कि जब तो देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पुष्टि करी। भैया अभी असुरों को बुलाना है तभी जाकर तो कृष्ण की लीला होगी, अगर ये असुर नहीं होते तो मानो कृष्ण भगवान लीला करते, यदि रावण नहीं होता तो रामलीला होती, यदि जगाई बधाई ना होते तो महाप्रभु की लीला होती। तो ये सारे असुर एकमात्र कृष्ण की लीला में सहायक है। तो पूतना को प्रेरणा देकर और कृष्ण ने बुलवा लिया। पहले के समय पे जब माताएं किसी नवजात शिशु को जन्म देती थी तो उस समय पर वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं होता था, वहां पर जो उनकी सेवा करती थी जो सूतक सूतक लग जाता है ना, तो उस घर में कोई प्रवेश नहीं करता था। लेकिन कृष्ण कितने अपूर्व सुंदर है, कृष्ण के सुंदरता के चर्चे तो पूरे ब्रजमंडल में हो गए और सारे ब्रजवासियों के हृदय में इच्छा है कि हम भी कृष्ण का दर्शन करें। अभी कृष्ण तो सोच रहे भैया मैं तो घुटनों पर भी नहीं चल सकता, ब्रजवासियों को कैसे दर्शन दूं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पूतना को बुला लिया। मैया यशोदा भी मन ही मन विचार कर रही थी कि मेरा लाला जन्म हुआ है, आज 6 दिन का हो गया, ये ठीक से दूध पी पा रहा है कि नहीं, अरे मेरे स्तनों में जो दूध है वो तो लाला के लिए है, लेकिन ये क्या ठीक से दूध पान कर रहा है कि नहीं। तो मानो मैया के इसी संशय को दूर करने से कृष्ण बतला रहे हैं कि मैया तुम चिंता मत करो, मेरे होठों में ही कितनी शक्ति है, मैं अभी प्रमाणित कर देता हूँ। पूतना कृष्ण को मारने के उद्देश्य से जहर लेकर और आई, जैसे ही कृष्ण को गोद में उठाया पलने से भगवान ने आंख बंद कर ली। हमारे टीकाकार लोगों ने तो कई कारण बताए हैं इसके, भगवान ने क्यों आंख बंद करी, अलग अलग संतों का अलग अलग भाव है। कहते हैं छोटे बच्चों की आदत होती है वे किसी अनजान व्यक्ति के पास में जाती अपनी आंख बंद कर लेते हैं, उनको देखना नहीं चाहते। कृष्ण भी सोच रहे हैं भैया पूतना ये जाने कहां से आ गए, मैं तो मैया के साथ ही शुरू से खेला हूँ, कृष्ण भी सिर्फ 6 दिन के हैं, तो इसलिए पूतना को देखकर आंख बंद कर ली। कृष्ण और एक कारण बताते हैं, कृष्ण सोच रहे हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, असुरों को मारने के लिए मेरा जन्म हुआ है और पहले श्री गणेश करना पड़ेगा पूतना से। मानो मनी मन लज्जित हो रहे कि भैया पहला असुर जो मारूंगा वो भी एक लड़की के रूप में एक स्त्री के रूप में आई है, तो कृष्ण ने लज्जित होकर आंखें बंद कर ली। और एक संत का भाव है और एक कारण बताते हुए कहते हैं, कृष्ण ब्रज में जन्म लिया है दूध दही मक्खन खाने के लिए और पूतना क्या लेकर आई है, विष लेकर आई, जहर लेकर आई है। मानो कृष्ण आंखें बंद करके और भोले बाबा को स्मरण कर रहे हो कि भोले बाबा जल्दी जल्दी आ जाओ, जहर पीना आपका काम, दूध पीना मेरा काम। और एक कारण बताते हैं यहाँ पर कि पूतना बाल घातिनी, पूतना नवजात शिशुओं को मारने के लिए। अभी ब्रज में जो सारे बच्चे जन्म हुए हैं वो कौन है, कृष्ण के सारे सखा सखी। तो पूतना इस इतनी गंदी भावना से आई है, मानो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तेरा मुख दर्शन ही नहीं करना चाहता, तू अपवित्र हो, तू इतना बुरा उद्देश्य लेके और नंद भवन में आई हो, मैं तुम्हारा दर्शन ही नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। इस प्रकार कई कई कारण वहां पर बताए कि पूतना ने क्यों आंखें बंद करी। जैसे ही पूतना ने आंखें बंद करी, जैसे कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, पूतना ने बलात् अपने स्तन को कृष्ण के मुख में दे दिया और कृष्ण वहां पर जहर भी पान कर रहे हैं, बाद में दूध भी पान किया और कुछ ही क्षणों में पूतना के प्राणों का शोषण करने लगे और पूतना को वहां पर इतनी वेदना हो रही है, पूतना के मर्म स्थल पर जब वो पीड़ा असहनीय हो गई, मुझ दाम मुझे छोड़ दे, बालक और कितना दूध पिएगा तो मुझे छोड़ दे, इस प्रकार कहने लगी। कृष्ण ने कहा भैया ये ही आज तक मैं नहीं सीख पाया, किसी को एक बार मैं सहज में पकड़ता नहीं और यदि पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। पूतना ने विचार किया मेरे भाई कंस के पास में ले जाती हूँ, वो निश्चय ही कोई ना कोई उपाय निकाल देगा। जब पीड़ा असहनीय हो गई, मानो प्राण ही अभी निकल जाएंगे, पूतना ने अपना विराट रूप धारण किया, उसका इतना बड़ा स्वरूप देखकर सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए और उड़ते हुए आकाश मार्ग से और अपने भाई मथुरा के पास में कंस के पास में जाना चाह रही है। लेकिन भगवान कृष्ण वो तो जाने देंगे नहीं, जब तक अपने चरणों की प्राप्ति ना करवा दे तब तक छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण ने क्या किया, पूतना को ले जाकर कंस का एक बाग था उसी बाग में ले जाकर उसे वहीं पर गिरा दिया और वहीं पर उसके प्राण निकल गए। उसका इतना विराट शरीर
कहते हैं उसके जो दांत थे, दांत मानो जो हल होता है ना खेती करने का हल, उसके समान उसके दांत, उसके स्तन मानो किसी बड़े बड़े विशाल पर्वत की भांति लग रहे थे, उसकी नासिका, नासिका मानो किसी गुफा का बड़ी लंबी लंबी गुफा लग रही थी, उसके केश मानो ताम्रवन, इस प्रकार का बड़ा भयानक स्वरूप था। सारे ब्रजवासी तो मानो प्राण त्यागने को हो रहे थे, कृष्ण गए तो गए कहां, सब दौड़े दौड़े जब आए तो देखा कृष्ण उस पूतना के पेट पे खेल रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं। ब्रजवासियों को थोड़ी शांति मिली, जल्दी से घरों से सीढ़ी मंगा के और पूतना के ऊपर लगाई, चढ़ते चढ़ते भयभीत हो रहे हैं, कहीं आंख खुल गई इस पूतना की तो हमको तो कच्चा ही खा जाएगी। कैसे न कैसे कृष्ण को पूतना के वहां से उतार लिया। मैया यशोदा ने जैसे ही कृष्ण को देखा उनके हृदय में थोड़ी शांति मिली, उनको स्तनपान करवाया और मैया कह रही कि आज मेरा लाला अपवित्र हो गया, अरे ये पूतना आई तो आई कहां से और फिर मर कैसे गई। सारे ब्रजवासी चिंता कर रहे हैं, अरे मैया तेरे लाला को लेकर भाग रही थी, लगता है कहीं से ठोकर लगी और औंधी गिर गई। दूसरे ब्रजवासी कहने लगे कि भैया ठोकर खा के गिरती तो उल्टी गिरती, ये सीधे कैसे गिर गई। ऐसे सब तर्क वितर्क कर रहे थे, मैया यशोदा कहने लगे कि देखो मेरे लाला ने इस मृत असुर को स्पर्श किया, ये अपवित्र हो गए, कृष्ण अपवित्र हो गए, जो जिनका नाम लेने से हम कहते हैं ना अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षा बाह्याभ्यंतर शुचि, अरे जिसका नाम लेने से हम बाहर और अंदर दोनों से पवित्र हो जाते हैं, वे कृष्ण स्वयं आज अपवित्र हो गए हैं किसी मृत व्यक्ति को स्पर्श करने से। पूतना मैया यशोदा ने क्या किया, गौमूत्र गोबर इत्यादि से कृष्ण को स्नान करवाया और गाय की खुर से मिट्टी लेकर कृष्ण को तिलक किया। देखो ब्रज रज की कितनी महिमा है, हम जो तिलक धारण करते हैं ये कोई साधारण नहीं है। कल श्रवण कर रहे थे हम गुरु जी के मुखारविंद से, कृष्ण को जब कभी ज्वर हुआ तो ब्रजवासियों ने ही अपनी चरण रज दी और वो ही जाकर कृष्ण को अभिषिक्त हुआ। द्वारका से जो गोपी टीला से जो तिलक आता है ये कोई साधारण मत समझो, कृष्ण स्वयं ही इस ब्रज रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं तिलक के रूप में। इस तिलक की इतनी महिमा है, इसलिए तिलक सभी को धारण करना चाहिए। उसके बाद में टीकाकार लोग प्रश्न करते हैं, भैया पूतना को गिराया तो उस कंस के वन में ही क्यों गिराया, कंस का जो बगीचा था वहीं पर ही क्यों गिराया। तब कहते हैं कि कंस का निर्देश था कि इस बाग के फल फूल किसी की सेवा में नहीं लगने चाहिए, केवल मात्र मेरे और मेरे अनुयायी जो है उन्हीं की सेवा में लगनी चाहिए। भगवान कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्या जगत, ये जगत मैंने बनाया है और इसकी वस्तु एकमात्र मेरी सेवा के लिए है, तो उसे भोग करना चाहते हो। बस भगवान ने क्या किया, पूतना को ले जाके और उसी बाग में गिरा दिया, सारे वृक्ष नष्ट हो गए, सारे पेड़ पौधे सब गिर के बर्बाद हुआ। मानो भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हो कि देखो जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ खाद्य वस्तु है, यदि मुझे अर्पण नहीं करोगे, भगवान को यदि भोग लगाकर नहीं खाओगे तो क्या होगा, पूतना भेज देंगे, पूतना को इस तरह से गिराएंगे हमारे घर के ऊपर, ये सब तहस नहस हो जाएगा। बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं इसके अंदर, किस प्रकार हम माता यशोदा कृष्ण को तिलक लगा रही है, तिलक की क्या महिमा है। जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं भगवान को भोग लगाना चाहिए, भोग लगाए बिना बताया है वो साक्षात स्वान मिष्ठा समझ अन्न, आप कुत्ते की विष्ठा खा रहे हो अगर ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। जो पानी पीते हो वो बताया मूत्र के समान है, इतना निर्घिन्न, इसलिए ठाकुर को भोग अवश्य लगाना चाहिए। ठाकुर को भोग लगाने की बड़ी महिमा है। ब्रजवासी लोग बड़े चिंतित थे, इस प्रकार वहीं पर चिंता कर रहे, तभी वहां पर नंद बाबा दौड़े दौड़े आ गए, अरे भैया ये क्या भैया है। ब्रजवासी सब कहने लगे कि इस प्रकार कोई राक्षसी आई थी और कैसे न कैसे हमारे नारायण ने लाला की रक्षा करी है, लाला लेकिन ठीक है। नंद बाबा सोच रहे हैं वसुदेव निश्चित ही कोई ज्योतिषी है, उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे घर में कोई अमंगल होने वाला है, मैं तो माला जपते जपते ही आ रहा था और देखा तो यहाँ पूतना मरी हुई। सारे ब्रजवासी प्रश्न करने लगे कि ये मर तो गई लेकिन हमारे गोकुल मथुरा का रास्ता जाम कर गई, अब ये ट्रैफिक कैसे क्लियर करें। तो सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा कहते हैं कि अपने घर से फरसा और कुल्हाड़ी ले आओ, इसके हाथ पैर सब काट काट के और वहीं पर लकड़ी तो है ही जला दो। जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगाई, दिव्य सुगंध वहां से निकल रही है, अगुर कर्पूर मानो वहां से सुगंधित होकर और पूरे ब्रजमंडल शोभायमान हो गया। ब्रजवासी विचार कर रहे हैं
कि ये गंध आ रही है तो आई कहां से? क्या इंद्र ने स्वर्ग से पारिजात पुष्पों को बरसाया है, ना कोई इत्र की वृष्टि स्प्रे किया है, इतनी सुगंध कहां से आ रही है? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, जिस राक्षसी को कृष्ण ने स्पर्श कर लिया हो क्या वो पापी रहेगी? वो तो त्रिभुवन पावन होने करने वाली हो गई, इसलिए उसके दिव्य उसके तो अंग को कृष्ण का अंग स्पर्श हुआ है, तो इसलिए उसके शरीर से ये सुगंध आना तो स्वाभाविक है। सारे ब्रजवासियों ने पूतना को वहां पर जला दिया। और शुभदेव गोस्वामी एक विशेष बात यहाँ पर कहते हैं, कहते हैं पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंगासयापिहरे। कह रहे हैं पूतना लोक बालाग्नि, भैया यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, भजन करना हो तो एकमात्र कृष्ण का करो। क्यों? क्योंकि जो पूतना कंस के द्वारा प्रेरित होकर पूतना आई थी, पूतना मतलब पवित्र अपवित्र, पवित्र पूतना अपवित्र जो है, वो पूतना कृष्ण को मारने के लिए उद्देश्य से आई थी। बोले बाल भाती काम क्या करती थी? बच्चों को मारती थी। अच्छा बच्चों को मारती थी, चलो कोई कोई अच्छी कुल की तो होगी। बोले नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल में उत्पन्न, राक्षस कुल में उत्पन्न थी। अच्छा कोई नहीं, आहार तो कुछ अच्छा ग्रहण करती होगी। बोले नहीं, रुधिरासना रक्त पीती थी, नवजात शिशुओं का रक्त पान करती थी। अच्छा कोई सद्भावना से तो आई थी। जिंगा सया भी हरे, कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी, छोटे बच्चों को मारने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन हुआ क्या? ले भेद गात्री उचितम किम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा। जो इतनी दुष्टा कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी उसको भी कृष्ण ने धात्री गति प्रदान करी। ऐसा दयालु भला कौन होगा, ऐसा परम दयालु कौन होगा? इसलिए अगर भजन करना तो केवल मात्र कृष्ण का करो, क्योंकि गुण अवगुण प्रभु देखो न कहो, प्रभु किसी के अवगुणों पर विचार ही नहीं करते। पूतना ने क्या किया था? आकर एकमात्र एक्टिंग ही तो करी थी कि इतने सुंदर बालक को क्या पलने में थोड़ी रखते हैं, उसे तो गोद में उठाकर प्यार करना चाहिए। केवल दो घड़ी के लिए अभिनय किया माँ होने का, लेकिन उसी को ही उसी राक्षसी को कृष्ण ने धात्री उचित धात्री की गति प्रदान करी गोलोक वृंदावन में। तो इसलिए यहाँ कहते हैं भैया अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भागी टके सेर खाजा। सुना होगा आपने वृत्तांत, किस प्रकार एक राजा एक गुरु चेला कवि थे, वो एक राज्य में गए। उस राज्य की एक विशेषता थी, उस राज्य में सब चीज एक टका में मिलती थी। आप चाहे एक किलो घी ले लो उसके लिए भी एक रुपया, आप चाहे एक किलो चावल ले लो उसके लिए भी एक रुपया। अभी जैसे गुरु शिष्य वहां पर पहुंचे, गुरु जी तो समझ गए भैया ऐसी जगह पर रहना तो ठीक नहीं, क्योंकि इस स्थान पर हर एक चीज का एक ही मूल्य है, अलग अलग वस्तु तो उनके गुण के अनुसार अलग अलग मूल्य होना चाहिए, यहाँ पर तो सभी का एक ही मूल्य है। चेला लेकिन बड़ा खुश हो गया, बोले गुरु जी चिंता क्यों करते हो, यहाँ पर देखो रसमलाई खाओ एक रुपया, मिठाई जो भी कुछ मिठाई खानी हो एक रुपया, फल खाना हो एक रुपया। ऐसा विचार करके चेला तो वहीं पर रुक गया। गुरु जी ने कहा कि भैया मैं तो जाऊंगा, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। बोले गुरु जी आप जाओ चिंता नहीं। गुरु जी को ही त्याग कर दिया, गुरु जी को छोड़ दिया। गुरु जी जाते जाते एक शिक्षा दे गए कि देखो तुम पर यदि कोई विपत्ति आए तो मुझे याद कर लेना। एक समय उस राजा के राज्य में चोरी हुई, चोरी हुई एक बूढ़ी के घर में। जैसे ही चोर भाग रहे थे तो उस बूढ़ी ने चोर को बस पीछे से देखा, पहुंच गई राजा के पास में। अब जिस राज्य में ऐसा शासन हो उसका राजा कितना मूर्ख होगा। राजा के पास में जैसी शिकायत करी, बोले महाराज मेरे घर में चोरी हुई है, तुमने चोर को देखा था? बोले हाँ देखा था। कैसा था? बोले बड़ा मोटा सोटा था, मैंने पीछे से देखा था। अच्छा, राजा ने भी सिपाहियों को कह दिया, बोले इस राज्य में जो भी सबसे मोटा व्यक्ति तुम्हें दिखे उसे ले आओ, वही चोर होगा। अब ये शिष्य, ये तो एक रुपए का सब मिल रहा था, खा खा के खूब बढ़िया मोटा हो गया, उसी को इधर लिया, उसको लेकर और राजा के पास में आए। बोले तुम ही चोर हो, तुम्हें फांसी पर लगाएंगे। अभी ये शिष्य विचार कर रहे हैं कि भैया गुरुजी जो बोल रहे थे ठीक ही बोल रहे थे, कहां इस पागल के राजा के चक्कर में फंस गया, कहता है जो मोटे मैं सबसे मोटा था, मुझे ही चोर घोषित कर रहे हैं। उसने गुरुजी को स्मरण किया, गुरुजी वहां पर पहुंच गए। गुरुजी जैसे ही आए उससे अंतर इच्छा से पूछ तो गुरुजी वहां पर पहुंच गए। गुरुजी आए तो ये दोनों बात कर रहे हैं,
बोले हम दोनों बस फांसी पे चढ़ने के लिए लड़ेंगे और तुम बस एक्टिंग करना कि मुझे पहले फांसी पे चढ़ाओ, मुझे पहले फांसी पे चढ़ाओ, हम ऐसा लड़ेंगे और बाकी बात मैं संभाल लूंगा। ठीक है, जैसे ही उस शिष्य को फांसी दे रहे थे उसी समय पर गुरु जी कहने लगे मुझे फांसी पर चढ़ाओ और शिष्य कहने लगा मुझे फांसी पर चढ़ाओ। राजा यहाँ पर विचार करने लगा भैया ये क्या हो रहा है, दोनों मरने के लिए लड़ क्यों रहे हैं। राजा ने पूछा भैया तुम क्यों लड़ रहे हो। गुरु जी इतने बोलने लगे कि राजा आप जानते हो ये बड़ा ही 100 साल में एक बार ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, इस मुहूर्त में यदि किसी की मृत्यु होगी तो उसको सीधा वैकुंठवास मिलेगा। राजा सोचने लगा भैया अगर वैकुंठवास मिलेगा अभी मरने पे, मेरे घर वाले मेरी बूढ़ी माँ है उसी को क्यों ना फांसी में चढ़ा दें। राजा ने क्या किया उन दोनों को भगा दिया, बोले जाओ यहाँ से तुम में से कोई भी फांसी पर नहीं चढ़ेगा। और राजा ने अपनी बूढ़ी माँ को ही फांसी पर चढ़ा दिया। गुरु जी तो वहां से भाग गए। तो इसलिए बताते हैं कि कृष्ण की भी ऐसी ही सरकार है, कृष्ण भी किसी के गुण अवगुण को नहीं देखते देखते केवल मात्र कृष्ण गुण का दर्शन करते हैं और गुण को देख के पूतना जैसे राक्षसी को भी इतना सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे कृपा की जय। जय श्री राधे। देखो कल श्रीमद भागवत कथा में हाँ श्री गिरिराज अन्नकूट महामहोत्सव है, ये गिरिराज पूजा की बड़ी महत्व है। भगवान कृष्ण खुद कहते अन्न का दाना अगर किसने भोग लगा दिया कहते किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। इसलिए कल हम लोग यहाँ श्री अन्नकूट महामहोत्सव करेंगे, हो सके तो आप लोग अपना घर से कोई फल हो नहीं तो कोई मिठाई हो, नहीं तो जो चीज बढ़िया कोई पूरी हो नहीं तो हलवा हो, तो बगैर प्याज लहसुन के कोई भी चीज हो आप थोड़ी थोड़ी बना कर खिलाना। हम कल गिरिराज की अन्नकूट में महोत्सव में अगर ये भोग लगेगा ना, ठाकुर खुद कहते हैं किसी जीवन में तुम्हारी घर में कभी अन्न की और वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ी, कल बड़ा महत्व है। इसलिए आप लोग भी गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए हो आप देखना, जब गिरिराज की परिक्रमा करोगे गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखोगे, इसका मतलब क्या है, अगर कोई गिरिराज में जाए परिक्रमा लगाए वो गिरिराज शिला के ऊपर में जितना शिला रख लेते है ना ठाकुर जी उसका उतना मंजिली मकान बना देते है, इतने महिमा। जब कोई व्यक्ति गिरिराज परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी कृष्ण स्वयं उसको पीछे 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 ठाकुर जी घूमते रहते हैं, इतने कष्ट करके परिक्रमा कर रहा है मेरे से क्या मांगेगा। इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, बोले सारी इच्छाओं को जो पूरी कर देते हैं। बोले गिरिराज ने इतने महिमा क्यों कारण किया है, बोले विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को पूजा करता है लेकिन बांके बिहारी ने किसकी पूजा किया, गिरिराज गोवर्धन की। कहते विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी का परिक्रमा करता है लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की, ये गिरिराज गोवर्धन की ब्रजवासियों को लेकर के। इसलिए ये गिरिराज नहीं साक्षात भगवान कृष्ण। इसलिए कल कथा में हम गिरिराज की कथा सुनेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ी बहुत जो तुम्हारी संभव हो थोड़ी थोड़ी लेकर के आना, यहाँ गिरिराज की भोग लगेगा फिर वो भोग को फिर आप लोग ही ले लेना, आप लोग भी वो भोग मिलेगा आप लोग। बोले श्री गिरिराज महाराज की अगर आधार नहीं जन्म लेगी बनाया कितना आधार लेकर जाना। बोले श्री कहते वृषभानंद महाराज जी घर में एक बेटा जिसका नाम सीधा भैया लेकिन घर में कोई बेटी नहीं, इसलिए वृषभानंद महाराज सोच रहे घर में एक बेटी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देखिएगा घर में बेटी होना दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, घर में कौन आई जोर से बोलो लेकिन ये बेटा आए तो कोई बोलता है नारायण आया है, कोई नहीं बोलता है लेकिन बेटी आई तो दुनिया कहती है लक्ष्मी घर में आई। और बेटी की जो दान कन्या दान को सबसे बड़ा दान दुनिया में मानी गई, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं। देखना जब बेटी की दान करते हैं ना लक्ष्मी रूपा मान करके बेटी की दान की जाती है, इसलिए घर में बेटी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है अभी घर में बेटी हो जाए ना नाना नानी का सबसे पहले अवस्था खराब हो जाती है, घर में बेटी कैसे होगी। अरे दुनिया में अगर बेटी नहीं होगी दुनिया अगर दुनिया में बेटा बेटा हो जाए बताओ दुनिया रहेगा,
इसलिए अभी जो बिजनेसमैन परिवार में अभी बेटे लग पुआर रहा है, बेटी है नहीं। अगर पता चले गर्भ में बेटा उसको बेटी को मार देती, गर्भपात कर देती, लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसको भ्रूण हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया ये भ्रूण हत्या, इसलिए कभी नहीं करनी चाहिए भ्रूण हत्या। इसलिए देखो वृषभानंद महाराज सोच रहे घर में बेटी जरूर होनी चाहिए, हैं? घर में बेटी आए तो घर में लक्ष्मी घर में आती है। इसलिए एक दिन श्री वृषभानंद महाराज एक बार गए थे यमुना में स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में। जब गए देखा सततल कमल फूल गोबर में बड़ी सुंदरी एक प्यारी है किशोरी कन्या, सततल कमल गोबर में किटकारी मारते हुए पानी में बहत बहत आ रहे हैं। वृषभानंद महाराज गए और उसको अपना हाथों से उठा लिया, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। और उन्होंने ला करके अपना पत्नी कृतिका कुमारी को दिया, बोले देखो ठाकुर जी कितने कृपा है, हम सोच रहे थे घर में एक बेटी होनी चाहिए, देखो ठाकुर जी हमें बेटी दिए। अभी कृतिका भैया बड़ी सावधान से उनको पालन कर रही है। नारद जी ने देखा कृष्ण तो जन्म हो गए लेकिन वो अकेले जन्म नहीं होंगे, वो जरूर अपना सती को साथ में जन्म लेती है, लेकिन वो कहाँ जन्म हुए। अभी उन्होंने घर घर में ब्रज की गली गलियों में ढूंढ रहे हैं, कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं चंपक लता, लेकिन राधा रानी नहीं मिल रही है। जब उन्होंने रावल में आकर के वृषभानंद महाराज को पूछे कोई संतान भयो है, उन्होंने बेटे को देखा है, बोले बेटी हुई कि नहीं, चुप हो गए, क्योंकि बेटी को यमुना से मिली है, बोले बेटी हुई, बोले हाँ बेटी मिली, बोले लेकर के आओ। नारद जब देखे ना पहचान गए, अरे यही तो भगवान की पूर्ण शक्ति पराशक्ति नागिनी स्वरूप शक्ति है। अभी नारद जी स्तुति करना चाहते हैं, बोले थोड़ी सी तो फूल ले आ, मैं तुमको स्वस्ति वाचन करूंगा। जब अंदर में गए राधा रानी एकदम किशोरी बनकर प्रकट हो गई, ललिता विशा का अष्ट सखियां प्रकट हो गई। ललिता बोलती है तू क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी उनको स्तुति कर, नहीं तो राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी। तब उन्होंने बोले मुनीन्द्र बिंद बंदित ले आओ त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त भंग जे विमोज हो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु मंदिरि ब्रजेन्द्र सोन संग जे कथा करी ललीर मार पाप रहस भाषण अशोक वृक्ष वल्लभि सीताय मन्य प्रसिद्धि प्रभाज बाल पल्लव का नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। ध्यान देकर सुनो, जैसे कभी कभी हम लोग दूसरे देवी देवियों देवता के लिए स्तुति करते हैं, लेकिन ये राधा रानी को अच्छे तरह से समझो। कहते राधा रानी कौन है, कहते उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी, जगत में जितने अनंत कर्म जो शक्तियां हैं वो कहां से प्रकट हुई, बोले सिर्फ राधा रानी से। जब कोई राधा रानी को भजन कर ले, उनको स्तुति कर ले, अनंत करोड़ों देवियों की पूजा हो जाती है। जितने अवतार मत्स्य कुर्मा जितने 33 करोड़ देवता कहाँ से हुए, कृष्ण से। जब राधा कृष्ण का पूजा करते हैं ना, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। इसलिए इसको अगर कोई स्तुति करे रोज, कहते जो राधा कुंड में खड़े होकर कोई स्तुति करना 108 बार करे तो राधा रानी स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देती है, इतने महिमा। इसलिए इसका नाम राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। अगर इसको जो कोई पढ़ेगा उसको ऊपर में जरूर से राधा रानी की कृपा होगी। श्रीमती राधा रानी की जय।
तब राधा रानी की उन्हें कृपा की और विश्वभर महाराज पूरा ब्रज मंडल नौता दे दिया। सारे ब्रजवासी आए और उन्होंने और मैया जसोदा आकर के कृष्ण को राधा रानी को पास में रख दिया। कृष्ण अपना हाथ रखते ही राधा रानी आंख खोल दी, सामने कृष्ण को देखे और बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वृषभ महाराज बड़े सुंदर से राधा रानी की जन्म महोत्सव बनाए। आप लोग राधा रानी की एक सुंदर भजन सुन लो, कैसे राधा रानी जन्म लेती है। बोले श्रीमती राधा रानी की खड़े हो जाओ। राधा रानी की भजन कर रहे हैं। राधा रानी सर्वलक्ष्मीमयी, अगर इनकी जन्मोत्सव में जो नाचेगा ना घर में माल को आएगा, राधा रानी की कृपा होगी। सब खड़े हो जाओ, सबके सब नाचना राधा रानी जन्मोत्सव। हाँ बोलो बोलो। राधा रानी